हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग। आज अपन बात करेंगे सबसे पहले AS 22 और Ind AS 12 की। AS 22 और Ind AS 12 मतलब अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस और इनकम और इनकम टैक्सेस, जिसमें DTA और DTL बनता है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं जानता हूँ कि ये टॉपिक कोई छोड़ के भी नहीं जाता है। तो हम सबसे पहले रिवाइज करेंगे AS 22। पहले मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा AS 22 पूरा, फिर मैं आपको Ind AS 12 से उसके डिफरेंसेस समझाऊंगा। चलिए बात करते हैं अपन AS 22 के रिवीजन की। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो यूज किए रहते हैं AS 22 में, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन से यूज किए रहते हैं। पहला, अकाउंटिंग इनकम। फर्स्ट इज अकाउंटिंग इनकम। ये अकाउंटिंग इनकम क्या होता है? अकाउंटिंग इनकम का मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अकाउंटिंग इनकम का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो अकाउंट से मुझे प्रॉफिट मिलता है उसको बोलते हैं अकाउंटिंग इनकम, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को। सेकेंड टर्म क्या था? सेकेंड टर्म था टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम का मतलब क्या होता है? टैक्सेबल इनकम मतलब इनकम एज पर टैक्स रिकॉर्ड्स। टैक्स रिकॉर्ड्स ऑन विच टैक्स इज पेबल, जिसके ऊपर मुझे टैक्स जमा करना है। इनकम एज पर टैक्स रिकॉर्ड्स ऑन विच टैक्स इज पेबल। सो दो प्रकार की इनकम होती है AS 22 के अकॉर्डिंग। AS 22 के अकॉर्डिंग दो प्रकार की इनकम होती है, अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम। अकाउंटिंग इनकम मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस में हम नॉर्मली इनकम निकालते हैं अपनी, प्रॉफिट एंड लॉस में सारे खर्चे माइनस करने के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसको बोलते हैं। और दूसरा होता है टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम मतलब इनकम टैक्स के रिकॉर्ड्स के हिसाब से, जब हम डायरेक्ट टैक्स में आप लोग पढ़ते हो, जब हम कंप्यूटेशन शीट बनाते हैं सेक्शन 28 PGBP का करते हो आप, पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से प्रॉफिट लेते हो, फिर उसमें एड लेस करते हो, कई सारी चीजें आप डिसअलाउ करते हो, कई सारी चीजें आप अलाउ करते हो, फिर जो प्रॉफिट आता है निकल के आफ्टर डिडक्शन, उसको बोलते हैं टैक्सेबल इनकम, जिसपे टैक्स लगता है। सो वो हो गया टैक्सेबल इनकम, अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम। तीसरा इंपॉर्टेंट टर्म, करंट टैक्स। थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म इज करंट टैक्स। करंट टैक्स क्या होता है? करंट टैक्स मतलब टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम के ऊपर जो भी टैक्स लग रहा है उसको बोलते हैं करंट टैक्स। इसको हम अपनी भाषा में, अकाउंटिंग लैंग्वेज में, हम इसको प्रोविजन फॉर टैक्स भी बोल सकते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स, जिसकी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स की हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स, टू प्रोविजन फॉर टैक्स। सो करंट टैक्स का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। सो ये तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स पहले अपन देख लें, अकाउंटिंग इनकम, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम का मतलब इनकम एज पर टैक्स रिकॉर्ड्स, मतलब कंप्यूटेशन शीट के अकॉर्डिंग जो अपना इनकम निकल रहा है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। और करंट टैक्स, करंट टैक्स का मतलब टैक्स जो कैलकुलेट किया जा रहा है टैक्सेबल इनकम के ऊपर। ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने से पहले हम बात कर लेंगे अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में क्या रिलेशन है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है। अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम जरूरी नहीं कि सेम हो सकता है। अगर दोनों सेम है, सो ये मान लीजिए अगर अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम सेम है तो डिफर्ड टैक्स असेट और डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी नहीं निकलने वाली। इसका मतलब DTA या DTL तभी निकलेगा जब इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस अराइज हो रहे हैं, मतलब अकाउंटिंग इनकम कुछ और है और टैक्सेबल इनकम कुछ और है। सो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं वो डिफरेंसेस दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन से दो प्रकार के हो सकते हैं? एक होता है टाइमिंग डिफरेंस और दूसरा होता है परमानेंट डिफरेंसेस। एक होता है टाइमिंग डिफरेंस और दूसरा परमानेंट डिफरेंस। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अकाउंटिंग इनकम माइनस टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम अगर करेंगे, अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम अगर माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा, जो डिफरेंस आएगा अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में, सो वो डिफरेंस दो तरीके का डिफरेंस होगा। एक डिफरेंस माना जाएगा टाइमिंग डिफरेंस और दूसरा डिफरेंस माना जाएगा परमानेंट डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस होगा परमानेंट डिफरेंस। अब ये टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है और परमानेंट डिफरेंस क्या होता है, आपको ध्यान होगा टाइमिंग डिफरेंस मतलब ऐसा डिफरेंस विच अराइज इन वन पीरियड एंड कैपेबल ऑफ बीइंग रिवर्सल इन द नेक्स्ट पीरियड, वन और मोर सब्सिक्वेंट पीरियड्स।
टाइमिंग डिफरेंस ऐसा ऐसा डिफरेंस होता है जो एक साल अराइज होता है और अगले साल या दूसरे अगले नेक्स्ट पीरियड्स में वो रिवर्स हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए डेप्रिसिएशन, असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन हम लगाते हैं जब, तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से सेक्शन 32 के हिसाब से डेप्रिसिएशन कुछ और आता है और कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन कुछ और आता है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप डेप्रिसिएशन डेबिट करते हो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, जबकि आपको इनकम टैक्स के हिसाब से जब कंप्यूटेशन बनाते हैं टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए, तो डेप्रिसिएशन का डिडक्शन आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 32 के वर्किंग के अकॉर्डिंग मिलता है। सो इन दोनों डेप्रिसिएशन में डिफरेंसेस है। दोनों डेप्रिसिएशन में डिफरेंसेस होने के कारण क्या होता है, अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में डिफरेंसेस आ जाते हैं और ये डिफरेंस टाइमिंग नेचर का होता है। वो डिफरेंस टाइमिंग नेचर का इसलिए होता है क्योंकि जो डेप्रिसिएशन आप लगा रहे हो वो तो असेट की ओरिजिनल कॉस्ट पर लगा रहे हो और असेट की ओरिजिनल कॉस्ट तो एक ही है ना, चाहे वो इनकम टैक्स का रिकॉर्ड हो चाहे वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनीज एक्ट का रिकॉर्ड हो, असेट की ओरिजिनल कॉस्ट तो सेम है, डेप्रिसिएशन तो दोनों पे सेम ओरिजिनल कॉस्ट पर लगेगा। बस ये है कि एक साल में इनकम टैक्स का हो सकता है ज्यादा है कंपनी से कमाए और अगले साल हो सकता है कंपनी से के हिसाब से ज्यादा है और इनकम टैक्स के हिसाब से कमाए। सो ऐसे डिफरेंसेस को बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस के और क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे बोनस गिवन टू द एम्प्लॉयज। अगर आप अपने एम्प्लॉयज को बोनस दे रहे हो और बोनस का आपने प्रोविजन बना लिया बट आपने उस बोनस नहीं किया, बोनस का प्रोविजन बनाने के बाद आपने उसका बोनस का पेमेंट नहीं किया, तो इनकम टैक्स में सेक्शन 43B कहता है कि अगर आप विद इन ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अगर आप बोनस को पे नहीं कर रहे हो, प्रोविजन बना के रख लिया बोनस को पे नहीं कर रहे हो, तो इनकम टैक्स उसको डिसअलाउ कर लेता है और आपको उसका डिडक्शन उस साल में मिलेगा जिस साल आप बोनस को एक्चुअली पे करते हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर बोनस का प्रोविजन बना के रखा है या 43B के किसी भी खर्चे का प्रोविजन आपने बना रखा है, जैसे PF, इंटरेस्ट, गवर्नमेंट टैक्सेस, इनका प्रोविजन बना के रखा है बट हमने उनको पे नहीं किया विद इन ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, तो वो डिसअलाउ हो जाएंगे और डिसअलाउ हो जाएंगे तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग वो मेरा डिसअलाउ होने के बाद टैक्सेबल इनकम मेरी ज्यादा कर देंगे और अकाउंटिंग इनकम कम होगी। सो ये भी जो डिफरेंसेस होंगे इन डिफरेंसेस को बोलेंगे टाइमिंग डिफरेंस, क्योंकि जो चीजें डिसअलाउ हुई है वो कभी ना कभी अलाउ होंगी अगर मैं उनको पे करूंगा। सो इसलिए मैंने क्या बोला, टाइमिंग डिफरेंस का मतलब द डिफरेंसेस बिटवीन अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम which arise in one period and are capable of being reversal in next subsequent periods, जो reverse हो सकते हैं, जरूरी नहीं reverse हो पर हो सकते हैं, उनको बोलते हैं timing difference। और permanent difference का मतलब होता है ऐसा difference accounting income और taxable income के बीच का जो arise होता है एक period में but वो कभी अगले periods में subsequent periods में कभी भी reverse नहीं होता, उसको बोलते हैं permanent difference। permanent differences के ऊपर DTA और DTL create नहीं होता। जैसे permanent differences का example क्या, donation given to a religious trust, अगर religious trust को आप donation देते हो, आपने donation दिया, आपने उसका खर्चा बुक कर लिया अपने profit and loss में, आपकी accounting income minus करके donation को minus करने के बाद निकली, जबकि income tax में donation given to religious trust is not allowable as deduction, so वो आपका deduction disallow हो गया और वो permanently disallow हो गया, कभी भी आपको कभी allow नहीं होगा, तो इससे आपका क्या होगा, taxable income बढ़ गई तो इन दोनों incomes के बीच में differences arise हो गए। अब ये डिफरेंस किसके कारण अराइज हुआ, डोनेशन के कारण अराइज हुआ, और डोनेशन के कारण अराइज हुआ तो वो जो डोनेशन है वो कभी भी अलाउ नहीं होगा सब्सिक्वेंट पीरियड में, मतलब सब्सिक्वेंट पीरियड में कभी भी वो रिवर्स नहीं होगा, इसलिए उस डिफरेंस को क्या बोलेंगे, परमानेंट डिफरेंस। और परमानेंट डिफरेंस के ऊपर कभी भी डेफर्ड टैक्स असेट या डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होगी। सो हमने क्या क्या बात कर ली, टैक्स अकाउंटिंग इनकम टैक्सेबल इनकम दोनों के बीच के डिफरेंसेस, दो प्रकार के, टाइमिंग डिफरेंस और परमानेंट डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस के ऊपर डीटी डिटेल क्रिएट होगा, परमानेंट डिफरेंस के ऊपर डीटी डिटेल क्रिएट नहीं होगा। करंट टैक्स का मतलब क्या, करंट टैक्स का मतलब टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, मैं यहां पर लिख देता हूं टाइमिंग डिफरेंसेस के ऊपर डीटीए और डीटीएल क्रिएट होगा, जबकि परमानेंट डिफरेंसेस के ऊपर परमानेंट डेफर्ड टैक्स क्रिएट नहीं होगा। So, आपको ये बात ध्यान देना है। चलिए अपन और बात करते हैं, अकाउंटिंग इनकम हो गया, टैक्सेबल इनकम हो गया, करंट टैक्स हो गया, अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम का डिफरेंसेस भी हो गया, इससे हो गया टाइमिंग डिफरेंस और परमानेंट डिफरेंस। अब जो टाइमिंग डिफरेंस और परमानेंट डिफरेंस में हम बात करेंगे टाइमिंग डिफरेंस की, क्योंकि डीटीए डीटीएल क्रिएट टाइमिंग डिफरेंस के ऊपर होता है। सो टाइमिंग डिफरेंसेस के ऊपर जो भी आप टैक्स निकालोगे, टाइमिंग डिफरेंसेस के ऊपर जो भी आप टैक्स निकालोगे उस टैक्स को बोलते हैं डेफर्ड टैक्स। क्या बोलते हैं उसको, डेफर्ड टैक्स। उस डेफर्ड टैक्स को हम बोलेंगे
टाइमिंग डिफरेंस के ऊपर जो भी टैक्स निकलेगा उसको बोलेंगे डेफर्ड टैक्स। और डेफर्ड टैक्स दो प्रकार का होता है, डेफर्ड टैक्स असेट और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। टाइमिंग डिफरेंसेस के ऊपर जो भी टैक्स निकालेंगे उसको बोलेंगे डेफर्ड टैक्स। और डेफर्ड टैक्स दो प्रकार का होगा, डेफर्ड टैक्स असेट और डेफर्ड लाइबिलिटी। सो पांच टर्म्स अभी हमने पहले देखी, अकाउंटिंग इनकम, टैक्सेबल इनकम, करंट टैक्स और डिफरेंसेस, टाइमिंग डिफरेंस, परमानेंट डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस के ऊपर जो टैक्स निकलता है उसको बोलते हैं डेफर्ड टैक्स। दो प्रकार के इनकम्स, दो प्रकार के टैक्सेस, अकाउंटिंग इनकम, टैक्सेबल इनकम, दो प्रकार के टैक्सेस। कौन कौन से टैक्सेस? करंट टैक्स, करंट टैक्स के ऊपर, टैक्सेबल इनकम के ऊपर, और टैक्स किसके ऊपर? टाइमिंग डिफरेंस के ऊपर। डेफर्ड टैक्स दो प्रकार के, डेफर्ड टैक्स असेट, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। अगर मुझे डेफर्ड टैक्स असेट क्रिएट करना है तो क्रिएट करने की एंट्री क्या होगी? असेट, असेट को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब डेफर्ड टैक्स असेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट करना है तो लाइबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। मतलब ये हुआ डेफर्ड टैक्स असेट हो या डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी हो, वो दोनों कहां से बनेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बनेंगे। याद ये रखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बनेंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही आपने अकाउंटिंग इनकम निकाली है, उसको वहां से वो मिसमैच हो रही है टैक्सेबल इनकम से, आपको उसका डीटी का इफेक्ट भी प्रॉफिट एंड लॉस में ही देना पड़ेगा। सो डेफर्ड टैक्स असेट और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी कहां से बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। डेफर्ड टैक्स असेट जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बनेगी, सो एंट्री होगा डीटीए टू पीएनएल। और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जब बनेगा तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डीटीएल। इसको कहते हैं टू क्रिएट डेफर्ड टैक्स असेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। सो पहले आप इसको देख लीजिए, फिर अपन बात करेंगे अगले पॉइंट्स की। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं। अब डेफर्ड टैक्स असेट देख लिया, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी देख लिया, दोनों दोनों चीजें बनती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट टर्म की, जिसका नाम है टैक्स एक्सपेंस। टैक्स एक्सपेंस, ये टैक्स एक्सपेंस क्या है? ये टैक्स एक्सपेंस आपको ध्यान होगा, टैक्स एक्सपेंस मतलब करंट टैक्स प्लस माइनस डेफर्ड टैक्स, करंट टैक्स प्लस माइनस डेफर्ड टैक्स। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि करंट टैक्स का मतलब होता है प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट टैक्स का मतलब होता है प्रोविजन फॉर टैक्स। और प्रोविजन फॉर टैक्स का बैलेंस कौन सा होता होगा? हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता होगा, हमेशा कौन सा रहता होगा? क्रेडिट बैलेंस। तो इसमें प्लस माइनस डेफर्ड टैक्स कैसे होता है? अगर असेट है तो क्या होगा और लाइबिलिटी है तो क्या होगा? देखिए, प्रोविजन फॉर टैक्स जो करंट टैक्स होता है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर मेरे पास डीटीएल है, अगर मेरे पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है तो वो इसमें प्लस हो जाएगा, करंट टैक्स में प्लस हो जाएगा, क्योंकि लायबिलिटी भी क्रेडिट बैलेंस में जाके ऐड हो जाएगा। और अगर मेरे पास डीटीए रखा हुआ है, मैंने डीटीए क्रिएट किया है, तो डीटीए मतलब असेट नेचर का हुआ तो मैं माइनस कर दूंगा। सो मैं इसको खोल के ये लिख सकता हूं, करंट टैक्स प्लस डीटीएल क्रिएटेड माइनस डीटीए क्रिएटेड, ये कह सकते हैं। या फिर डीटीएल क्रिएटेड तो हो गया और डीटीए क्रिएटेड तो हो गया, ये किस पे हुए होंगे? टाइमिंग डिफरेंसेस के ऊपर। और टाइमिंग डिफरेंस कब अराइज होता है? टाइमिंग डिफरेंस का मतलब क्या होता है? टाइमिंग डिफरेंस मतलब जो अराइज हो फर्स्ट पीरियड में और सबसेक्वेंट पीरियड में वो रिवर्स हो जाए। सो डीटीएल अगर मैंने क्रिएट किया है तो ऐड हुआ, तो डीटीएल अगर रिवर्स हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। तो डीटीएल रिवर्स्ड, DTL reversed क्या हो जाएगा? माइनस। और वैसे ही सेम असेट जब मैंने क्रिएट किया था तो क्या किया था मैंने? माइनस, तो मैं प्लस क्या करूंगा? DTA reversed, DTA reversed। सो अगर मैं करंट टैक्स में इन DT का इंपैक्ट दे दूं, डेफर्ड टैक्स का इंपैक्ट दे दूं, तो मुझे मिलता है टैक्स एक्सपेंस। मुझे कैसे मिलता है टैक्स एक्सपेंस? हम इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में किस तरीके से दिखाते हैं?
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स एक्सपेंस करके एक हेड होता है, टैक्स एक्सपेंस करके एक हेड होता है, जिसमें यहाँ आता है करंट टैक्स और यहाँ आता है प्लस माइनस डेफर्ड टैक्स, डेफर्ड टैक्स जो आपने क्रिएट या फिर रिवर्स किया है, तो यहाँ पर आता है डेफर्ड टैक्स। इसके अलावा यहाँ पर आता है मैट, मैट का क्रेडिट, तो मैट की बात हम थोड़ी देर बात करेंगे, पहले आप इसको देख लीजिए कि टैक्स एक्सपेंस मतलब करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स होता है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात कि हम बात कर रहे हैं सभी चीजें बात कर रहे हैं हम टैक्सेस की, तो इसमें टैक्स का रेट कौन सा लेना पड़ता है? आपको ध्यान होगा टैक्स का रेट दो दिए होते हैं हमें, कभी कभार क्वेश्चन में दो दो रेट दिए होते हैं, एक तो करंट ईयर का टैक्स रेट और अगले साल का टैक्स रेट, तो हमें टैक्स रेट कौन सा लेना है? सो हमेशा याद रखिएगा टैक्स रेट हमेशा हमें वो लेना है जो इनेक्टेड होगा, मतलब वो टैक्स रेट जो ऑलरेडी इनेक्ट हो चुका है, जो फिक्स है। अगर मान लीजिए टैक्स रेट इनेक्टेड नहीं है, फ्यूचर का टैक्स रेट दिया हुआ है जबकि उन्होंने बोला कि वो एस्टिमेटेड है, तो मुझे एस्टिमेटेड टैक्स रेट नहीं लेना है, इनेक्टेड टैक्स रेट लेना है। ये याद रखना है आपको कि टैक्स रेट हमेशा इनेक्टेड रहेगा। आ जाइए, आ गई आपको बात समझ में? सो पहले इसको देख लीजिए फिर अपन और आगे बढ़ते हैं। जी, अब आगे बात करते हैं इसमें और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान होगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जब हम बनाते हैं तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जब बनाते हैं तो वो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बनती है, मतलब कोई लायबिलिटी करते तो प्रूडेंस कारण होता है उसके पीछे, बट जब हम डेफर्ड टैक्स असेट बनाते हैं तो वो तो प्रूडेंस के अगेंस्ट हुआ, वो तो प्रूडेंस के अगेंस्ट हो गया। तो प्रूडेंस के अगेंस्ट होने के कारण हम डेफर्ड टैक्स असेट कभी कभार नहीं बनाते। तो इसमें AS 22 क्या कहता है, अगर डेफर्ड टैक्स असेट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, डेफर्ड टैक्स असेट बनाने के लिए क्या क्या कंडीशन होगी। सो डेफर्ड टैक्स असेट बनाने के लिए पैरा नंबर 15 और पैरा नंबर 17 आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पैरा नंबर 15 और पैरा नंबर 17। पैरा नंबर 15 बोलता है अदर देन अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, अदर देन अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, मतलब इन दोनों आइटम्स छोड़कर अगर दूसरे कुछ आइटम्स है, सो DTA क्रिएट तो होगा, इट शैल बी क्रिएटेड ओनली वेन देयर इज reasonable certainty that such timing difference shall be reversed in the subsequent period। मतलब यह हुआ कि अगर मुझे DTA क्रिएट करना है और DTA मुझे क्रिएट करना है किसी भी आइटम मतलब किसी भी टाइमिंग डिफरेंस पे, बस वो टाइमिंग डिफरेंस अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन और कैरी फॉरवर्ड लॉसेस को छोड़कर होना चाहिए। तो अगर मैं ऐसे आइटम्स पे DTA क्रिएट करना चाहता हूं तो मैं DTA क्रिएट कर सकता हूं अगर एंटिटी के पास रीजनेबल सर्टेनिटी है, वो ये कह सकती है कि हाँ हमें लगता है कि जिस आइटम के ऊपर हम DTA बना रहे हैं तो वो आइटम आगे चल के अगले पीरियड में सब्सिक्वेंटली रिवर्स हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जब DTA बना रहे हो तो आपका कहने का मतलब है आप एक असेट क्रिएट कर रहे हो, मतलब आप ये सोच के चल रहे हो कि फ्यूचर में आपको टैक्सेस में फायदा मिलेगा क्योंकि आप डेफर्ड टैक्स असेट टू पीडल कर रहे हो। अभी आपको टैक्सेस ज्यादा देने पड़े हैं, आपको फ्यूचर में वो टैक्स में सेट ऑफ मिलेगा, मतलब डेफर्ड टैक्स असेट अकाउंट डेबिट कर रहे हो। So, आप फ्यूचर में चल के वो फायदा लेना चाह रहे हो तो क्या इतना सर्टेनिटी है कि वो फायदा आपको सही में मिलेगा, मतलब वो टाइमिंग डिफरेंस सही में आपका रिवर्स हो जाएगा, या वो टाइमिंग डिफरेंस रिवर्स तो हो जाएगा पर उस रिवर्सल के अगेंस्ट आपके पास टैक्सेबल इनकम सफिशिएंट होगी, इतनी सर्टेनिटी है कि नहीं। सो अगर टैक्सेबल इनकम की सफिशियंसी होगी
सो दैट उसके अगेंस्ट आपके टाइमिंग डिफरेंस रिवर्स हो जाएंगे, तो आप डीटीए क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज डीटीए क्रिएट नहीं हो सकता. सो डीटीए शैल बी क्रिएटेड ओनली व्हेन देयर इज अ रीजनेबल सर्टेनिटी दैट टाइमिंग डिफरेंस शैल बी रिवर्स इन द सबसिक्वेंट पीरियड एंड अगेंस्ट विच सफिशियंट टैक्सेबल इनकम would be available, जिसके अगेंस्ट मेरे पास sufficient taxable income available होगी, so that मैं उस timing difference को reverse कर सकूं, set off कर सकूं और मुझे tax का benefit मिल सके. अगर मेरे पास reasonable certainty है तो मैं DTA create कर सकता हूं para number 15 के अलावा, para number 15 के according. याद रखेगा para number 15 दो items पे workout नहीं करता है, दो items पे applicable नहीं है, unabsorbed depreciation और carry forward losses. अगर मेरे पास unabsorbed depreciation और carry forward losses हैं, तो क्या? तो आएगा para number 17, unabsorbed depreciation and carry forward business losses. अगर मेरे पास unabsorbed depreciation और carry forward business losses हैं, तो क्या होगा? तो ऐसे केस में reasonable certainty नहीं जाएगी, ऐसे केस में चेक की जाएगी वर्चुअल सर्टेनिटी. आपको ध्यान होगा, शायद आपने पढ़ा होगा, आपको पढ़ाया गया होगा, वर्चुअल सर्टेनिटी सपोर्टेड बाय कन्विंसिंग एविडेंसेस, जिसको शॉर्ट में हम बात करते हैं वीसीसीई, वर्चुअल सर्टेनिटी सपोर्टेड बाय कन्विंसिंग एविडेंसेस. ये हमें चेक करना है, ये हमें चेक करना है कि क्या हमारे पास वर्चुअल सर्टेनिटी सपोर्टेड बाय कन्विंसिंग एविडेंस है. क्या, किस चीज की वर्चुअल सर्टेनिटी? दैट इन फ्यूचर देयर विल बी सफिशिएंट टैक्सेबल इनकम अगेंस्ट व्हिच सच टाइमिंग डिफरेंस कैन बी सेट ऑफ. मेरे पास फ्यूचर में सफिशियंट टैक्सेबल इनकम होगी, इस चीज की मेरे को क्या होनी चाहिए? वर्चुअल सर्टेनिटी. वर्चुअल सर्टेनिटी और रीजनेबल सर्टेनिटी का फर्क होता है. रीजनेबल सर्टेनिटी मतलब अकॉर्डिंग टू योर पास्ट एक्सपीरियंस यू कैन रीजनेबली से दैट कि हाँ फ्यूचर में हमारे पास सफिशियंट प्रॉफिट रहेगा. जबकि वर्चुअल सर्टेनिटी आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे नहीं बोल सकते हो. वर्चुअल सर्टेनिटी मतलब होता है ठोस सबूत आपके पास है. क्या ऐसा कोई अपने क्लाइंट आपको पता है कि आप उस ऑर्डर को फुलफिल कर लोगे तो आपको एक इनकम अराइज होगी. तो वर्चुअल सर्टेनिटी हमेशा एविडेंसेस के थ्रू चेक की जाएगी. रीजनेबल सर्टेनिटी के लिए कोई कन्विंसिंग एविडेंसेस होने की जरूरत नहीं है, पास्ट एक्सपीरियंस भी चलेगा. सो डीटीए क्रिएट होगा तभी जब पैरा 15 या पैरा 17 को फुलफिल करे, अदरवाइज डीटीए क्रिएट नहीं. डीटीएल क्रिएट करने के लिए ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है. डीटीएल हमेशा क्रिएट होगा जब जब टाइमिंग डिफरेंसेस अराइज होंगे. तो सो देयर इज अ मेन कॉन्सेप्ट फॉर डीटीएल एंड डीटीए. सो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि डीटीएल और डीटीए कब क्रिएट होगा. अब अपन बात करेंगे इसके बाद कि सर क्या डीटीए डीटीएल क्रिएट करने के लिए डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो फ्यूचर में जो फायदे या नुकसान होंगे उसका डिटेल करते हैं. तो देयर विल बी नो डिस्काउंटिंग एट ऑल. ये इंड एएस भी इस चीज को कंफर्म करता है कि डीटीए डीटीएल के लिए कोई भी डिस्काउंटिंग नहीं होगी. अब आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे. वो कौन सा पॉइंट है? टैक्स हॉलीडे पीरियड. टैक्स हॉलीडे पीरियड के रिगार्डिंग अपन ने क्या पढ़ा था, अपन उसकी बात कर लेते हैं. हाँ जी, अब बात करते हैं अपन टैक्स हॉलीडे पीरियड. टैक्स हॉलीडे पीरियड करके एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसके कारण हम डीटीए डीटीएल क्रिएट करने में थोड़ा सा ध्यान देते हैं. सो टैक्स हॉलीडे पीरियड क्या था? सबसे पहले हम ये समझ लें कि टैक्स हॉलीडे पीरियड क्या होता है. टैक्स हॉलीडे पीरियड मतलब एक ऐसा पीरियड जैसे 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, जिस पीरियड में सरकार आपसे कोई भी टैक्स वसूली नहीं करेगी. आपको सरकार ने एग्जेम्पशन दे दिया है कि आपका पूरा प्रॉफिट
एग्जेम्प्ट किया जाएगा, बस कुछ शर्तें उनकी फॉलो करनी पड़ेंगी कि आपको वो प्रॉफिट बांटना नहीं है, फिर से बिजनेस में लगाना है, एंड सो एंड सो एंड सो। सो हम उसकी बात नहीं करेंगे, वो बातें आपको टैक्स में अच्छे से पता होंगी। हम बात करेंगे कि टैक्स हॉलीडे के कारण डीटीए डीटीएल पर क्या असर पड़ेगा। सिंपल सा एक पॉइंट है, अगर टैक्स हॉलीडे पीरियड में आप एग्जिस्ट कर रहे हो तो उस टैक्स हॉलीडे पीरियड में जो भी टाइमिंग डिफरेंस अराइज होगा, जितना भी टाइमिंग डिफरेंस उस टैक्स हॉलीडे पीरियड में अराइज होगा, तो उस पे डीटीए डीटीएल बनेगा कि नहीं बनेगा। डीटीए डीटीएल टैक्स हॉलीडे पीरियड के टाइमिंग डिफरेंस के ऊपर तभी बनेगा अगर वो टाइमिंग डिफरेंस रिवर्स होता है टैक्स हॉलीडे पीरियड खत्म होने के बाद। मतलब ये कि सपोज आपका 5 साल का टैक्स हॉलीडे पीरियड चल रहा है, देयर इज अ टैक्स हॉलीडे पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, लेट अस से 5 ईयर्स, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, दिस इज योर टैक्स हॉलीडे पीरियड, देन दिस इज योर टैक्सेबल पीरियड, सिक्स्थ सेवेंथ एट्थ एंड सो ऑन। सो यहां पर एक ऐसा टाइमिंग डिफरेंस अराइज हुआ 50,000 रुपए का, जिसके कारण एक लाइबिलिटी बन सकती है, डीटीएल बन सकता है, जिसके कारण क्या बन सकता है, डीटीएल बन सकता है। तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि ये टाइमिंग डिफरेंस रिवर्स कब हो सकता है। अगर मुझे पता है कि ये टाइमिंग डिफरेंस रिवर्स हो सकता है टैक्स हॉलीडे पीरियड के अंदर अंदर ही पूरा पूरा रिवर्स हो जाएगा, सो मैं इस पे किसी प्रकार का भी डीटीए डिटेल क्रिएट नहीं करूंगा, नो डीटीए डिटेल शैल बी क्रिएटेड। तो डीटीए डिटेल क्रिएट कब नहीं होगा, जब ऐसा टाइमिंग डिफरेंस हो दैट अराइज इन करंट ईयर एंड रिवर्स इन टैक्स हॉलीडे पीरियड। और ऐसा टाइमिंग डिफरेंस मान लीजिए थर्ड ईयर में फिर से एक टाइमिंग डिफरेंस अराइज हुआ, 40,000 रुपए का टाइमिंग डिफरेंस अराइज हुआ, और वो रिवर्स जाके होगा 8वें साल में, वो रिवर्स होगा 8वें साल में, 8th ईयर में वो रिवर्सल होगा उसका। सो क्या मैं इस पे डीटी डिटेल बनाऊं? यस, मैं इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स असेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनाऊंगा। सो हमें क्या क्या रूल याद रखना है कि डेफर्ड टैक्स असेट ऑब्लिक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी शैल बी क्रिएटेड ओनली ऑन दोज टाइमिंग डिफरेंसेस दैट arise in tax holiday period but to be reversed after tax holiday period, जो रिवर्स होंगे टैक्स हॉलीडे पीरियड के बाद। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट आपको ध्यान होगा कि इसमें चलना कैसे है, इसमें मुझे फीफो बेसिस पे चलना है। फीफो बेसिस पे चलना है मतलब द टाइमिंग डिफरेंस विच अराइज फर्स्ट शैल रिवर्स फर्स्ट, मतलब जो अराइज पहले हुआ वो रिवर्स पहले हुआ ऐसा माना जाएगा। मतलब अगर ये 50,000 अराइज हुआ और यहां पर मान लीजिए 2,00,000 रुपए अराइज हुआ और यहां से रिवर्स होना शुरू हुआ, तो मैं मानूंगा कि रिवर्सल सबसे पहले कहां से हुआ होगा, 50,000 से रिवर्सल हुआ होगा, बाद में 2,00,000 से रिवर्सल हुआ होगा। सो अपने को जो रिवर्सल टेक्निक देखनी है वो फीफो के अकॉर्डिंग देखनी है, रिवर्सल रिवर्सल एज पर फीफो, रिवर्सल एज पर फीफो। सो टैक्स हॉलीडे पीरियड में आपको यह ध्यान रखना है। चलिए हाँ जी, अब बात करते हैं अपन मैट की, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। मैट क्या एडजस्टमेंट हो गई डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी में, जिस पर गाइडेंस नोट है, हम उसका एक जल्दी से जल्दी क्विक रिवीजन देख लेते हैं। मैट आपको ध्यान होगा मैट सेक्शन 115 जेबी के अकॉर्डिंग रहता है, इनकम टैक्स के सेक्शन 115 जेबी के अकॉर्डिंग मैट क्रिएट होता है। मैट किसके ऊपर क्रिएट होता है, ऑन बुक प्रॉफिट। ये
बुक प्रॉफिट क्या है? ये बुक प्रॉफिट क्या अकाउंटिंग इनकम है? तो आंसर इज नो, बुक प्रॉफिट इज नॉट एन अकाउंटिंग इनकम। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि बुक प्रॉफिट जो निकलेगा वो सेक्शन 115 जेबी के अकॉर्डिंग निकलेगा, मतलब वो अकाउंटिंग प्रॉफिट, मतलब वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं होगा, वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं होगा। दूसरा, मैट का एक खुद का रेट होता है, मैट का खुद का रेट होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 18%, मतलब रेगुलर जो टैक्स रेट होता है उसके अलावा दूसरा एक टैक्स रेट होता है, वो होता है मैट। मैट के प्रोविजंस क्या हुए, क्या होते हैं कि आपको मिनिमम टैक्स तो देना ही पड़ेगा, अगर रेगुलर टैक्सेबल जो रेगुलर टैक्स निकल रहा है अगर वो कम है और मैट ज्यादा, आपको ज्यादा वाला जो फिगर है पे करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप पे करोगे, जो एक्स्ट्रा आप पे करोगे उसका अगले सालों तक, अगले 10 सालों तक आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। सो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल याद रखिएगा कि मैट होने से या मैट ना होने से डेफर्ड टैक्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, डेफर्ड टैक्स के लिए मुझे क्या चीजें चाहिए, मुझे चाहिए टाइमिंग डिफरेंस और मुझे टैक्स का रेट, दो चीजें चाहिए, मैं अपना डेफर्ड टैक्स निकाल सकता हूं। टाइमिंग डिफरेंस के लिए मुझे क्या चाहिए, अकाउंटिंग इनकम, इनकम। सो मैंने बोला कि मैट के होने या होने से आपकी डेफर्ड टैक्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब अगर मैट है भी तो भी आप टाइमिंग डिफरेंस चीजों को कंपेयर करके लेंगे, अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम, बुक प्रॉफिट को आप नहीं लेंगे, पहला। दूसरा, टैक्स रेट चाहिए आपको, तो टैक्स रेट हमेशा हमारा रेगुलर टैक्स रेट होगा, मैट का रेट नहीं लिया जाएगा, मतलब डेफर्ड टैक्स के लिए मुझे रेगुलर टैक्स रेट लेना है, और दूसरा टाइमिंग डिफरेंस के लिए मुझे अकाउंटिंग इनकम माइनस टैक्सेबल इनकम ही करना है, मुझे किसी प्रकार से मैट के प्रोविजन को डीटी से लिंक नहीं। ये पहली पॉइंट। तो फिर मैट है ही क्यों सर, फिर मैट का मतलब ही क्या, हम क्यों पढ़ रहे हैं, मैट की अकाउंटिंग भी तो हो सकती होगी ना, डीटी को तो छोड़ दीजिए, मैट की भी तो कुछ अकाउंटिंग होती होगी। तो मैट की अकाउंटिंग क्या होती है, मैट की अकाउंटिंग सिंपल है, जिस वक्त मेरे पास मैट का क्रेडिट पड़ा हुआ है, मैट का क्रेडिट कब पड़ा हुआ, जब मैंने मैट के अकॉर्डिंग टैक्स पे किया होगा, टैक्स इज पेड एज पर मैट प्रोविजंस, मैंने टैक्स की मैट प्रोविजंस के अकॉर्डिंग टैक्स पे किया होगा, तो मेरे पास क्रेडिट रखा होगा, तो उस वक्त मुझे एक असेट क्रिएट करनी है फ्रॉम पीएनएल, असेट मुझे क्रिएट करनी पड़ेगी फ्रॉम पीएनएल, और जब मैं मैट के क्रेडिट का एंटाइटलमेंट अवेल करूंगा, जब मैं मैट के क्रेडिट को अवेल करूंगा, मैट क्रेडिट अवेल, तो मैं इसी असेट को रिवर्स कर दूंगा, थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, आई बात समझ में। अब इसको अपन एक काम करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ये मैट का क्रेडिट इंटाइटल कब होगा और मैट का क्रेडिट अवेल्ड कब होगा, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए फर्स्ट ईयर रेगुलर टैक्स मेरा आ रहा है 50,000 और मैट के अकॉर्डिंग जब मैं टैक्स निकाल रहा हूं तो मेरा टैक्स आ रहा है 80,000, मेरी डीटीएल क्रिएट हो रही है 10,000 की, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कौन सा टैक्स पे करना पड़ेगा, मुझे पे करना पड़ेगा मैट, सरकार को मुझे मैट पे करना पड़ेगा। सो मैं 80,000 रुपए से सबसे पहले करंट टैक्स बनाऊंगा, मैं 80,000 करंट टैक्स क्रिएट करूंगा, मैं एंट्री करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू करंट टैक्स या प्रोविजन फॉर टैक्स, कितना 80,000। आई वाज समझ में, डीटीएल है तो डीटीएल भी मैं क्रिएट कर लूंगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डीटीएल 10। अब मुझे पता है मैंने 50,000 का टैक्स देना था जबकि मुझे 80,000 का टैक्स देना पड़ा, मतलब 30,000 का टैक्स मैंने ज्यादा दिया है, इसका क्रेडिट मुझे अगले सालों में मिल सकता है जब मेरा रेगुलर टैक्स ज्यादा आएगा। सो 30,000 का क्रेडिट के लिए मैं इंटाइटल हो चुका हूं, तो मैं असेट, तो जब मैं असेट बनाऊंगा तो मैं एंट्री करूंगा मैट क्रेडिट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
30, मैट क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30। जब मैं ये तीनों चीजें अपने प्रॉफिट एंड लॉस में जाऊंगा तो मेरा टैक्स एक्सपेंस कैसे आएगा, 80 का लाइबिलिटी, 10 का एक और लाइबिलिटी, मतलब 80 प्लस 10 90, और 30 का असेट, 90 माइनस 30 60 का मेरा टैक्स एक्सपेंस देगा फर्स्ट ईयर में। आई बात समझ में? अब सपोज सेकेंड ईयर में क्या हुआ, सेकेंड ईयर में रेगुलर टैक्स बन रहा है 75 और मैट बन रहा है लेट अस से 70। मुझे डीटीएल मान लीजिए बनाना है अगेन 10 का, फॉर एग्जाम्पल मुझे डीटीएल बनाना है 10 का, तो इस बार देखिए ध्यान से मेरा रेगुलर टैक्स ज्यादा आ रहा है, 75 का आ रहा है, जबकि मुझे मैट मतलब और मेरा मैट कितना आ रहा है 70 का, मतलब मुझे नॉर्मल टैक्स ही पे करना पड़ेगा 75 का। तो विच एवर इज हायर मैं उसका करंट टैक्स बना लूंगा। यहां पे भी देखिए विच एवर इज हायर का मैंने करंट टैक्स क्रिएट किया था, तो इस बार मैं करंट टैक्स क्रिएट करूंगा 75 का। एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू करंट टैक्स 75। अब इस बार मुझे पता है कि एक्चुअली में 75 का तो टैक्स बन रहा है जो मुझे पे करना पड़ेगा, बट मेरे पास क्रेडिट रखा हुआ है 30 का, मैं अवेल कर सकता हूं। क्या मैं पूरा क्रेडिट अवेल कर सकता हूं? नहीं। अगर मैं 30 का पूरा क्रेडिट अवेल कर लूंगा तो वो मैट के मिनिमम टैक्स से भी कम हो जाएगा। मैं मैक्सिमम क्रेडिट इस साल सिर्फ कितना अवेल कर सकता हूं, 5 रुपए का, मतलब 5 का। तो 5 का अगर मैं अवेल कर सकता हूं तो मैं 5 को करूंगा रिवर्स। एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस टू मैट, प्रॉफिट एंड लॉस टू मैट, और 5 से मैं रिवर्स कर दूंगा। डीटीएल जैसे मेरी नॉर्मल क्रिएट होती थी मैं उसी तरीके से नॉर्मल क्रिएट कर लूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीटीएल 10 का। अगर आप टैक्स एक्सपेंस कैलकुलेट करोगे तो आपको टैक्स एक्सपेंस मिल जाएगा 75 और 5 और 10 मिला के, तो टैक्स मिल जाएगा। और इस तरीके से मैंने मैट के क्रेडिट को पहले मैंने इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे मैंने उसको असेट किया, फिर मैंने उसको रिवर्स किया। जब मैं असेट क्रिएट कर रहा हूं तो मेरे टैक्स एक्सपेंस में निकालने के लिए वो माइनस हो रही है, और जब मैं रिवर्स कर रहा हूं तो यहां पर वो मेरा प्लस हो रहा है। तो 75 प्लस 5 प्लस 10 तो यहां पर हो गया 90। सो कुल मिला के सिचुएशन मैट की इस तरीके से बनती है। एक बार आप इसको देख लीजिए, मैंने पूरा आपको AS22 शॉर्ट में पूरा रिवाइज करवा लिया। AS22 में हमने बात की थी डिफर्ड टैक्स एसेट और डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी कैसे क्रिएट होता है, अकाउंटिंग इनकम टैक्सेबल इनकम दोनों के डिफरेंसेस, टाइमिंग डिफरेंस, परमानेंट डिफरेंस के ऊपर कोई भी डीटीए डीटीएल क्रिएट नहीं होगा, टाइमिंग डिफरेंसेस के ऊपर डीटीए डीटीएल क्रिएट होगा, डीटीएल क्रिएट करने के लिए कोई टेंशन नहीं है, डीटीए अगर क्रिएट करना है तो पैरा 15 या फिर पैरा 17 को फुलफिल करना पड़ेगा। पैरा 15 बात करता है ऑल द टाइमिंग डिफरेंसेस अदर देन अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एंड कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस। अगर मेरे पास कोई भी टाइमिंग डिफरेंस है जिसके डीटीए क्रिएट हो रहा है तो रीजनेबल सर्टेनिटी चेक करनी पड़ेगी। किस चीज की रीजनेबल सर्टेनिटी? मुझे रीजनेबल सर्टेनिटी चेक करनी पड़ेगी कि फ्यूचर में मेरे पास सफिशियंट टैक्सेबल जिसके अगेंस्ट में अपने टाइमिंग डिफरेंस को सेट ऑफ कर पाऊंगा। और अगर मेरे पास अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन या कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस पड़े हुए हैं तो उसके लिए पैरा 17 कहता है वर्चुअल सर्टेनिटी सपोर्टेड बाय कंपेयरिंग एविडेंसेस चेक करो। अगर आपके पास वर्चुअल सर्टेनिटी है और उस वर्चुअल सर्टेनिटी कहां से आएगी, कन्विंसिंग एविडेंस है जिससे आप ये सर्टेन हो पा रहे हो कि फ्यूचर में आपके पास सफिशियंट टैक्सेबल इनकम होगी जिसके अगेंस्ट ये दोनों चीजें सेट ऑफ हो जाएंगी, तो आप अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन और कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस के आप डेफर्ड टैक्स असेट क्रिएट कर सकते हो प्रूडेंस के अगेंस्ट। डेफर्ड टैक्स असेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। इसके बाद हमने पढ़ा कि उसकी कोई डिस्काउंटिंग नहीं होती, डिस्काउंटिंग मना है, डिस्काउंटिंग नहीं है इंडिया से देंगे। उसके बाद हमने पढ़ा टैक्स हॉलीडे पीरियड में जो टाइमिंग डिफरेंस अराइज होगा और उसी टैक्स हॉलीडे पीरियड में अगर वो टाइमिंग डिफरेंस रिवर्स हो जाएगा तो उसके ना डीटीए क्रिएट होगा ना डीटीएल क्रिएट होगा। टाइमिंग डिफरेंस अराइज होता है टैक्स हॉलीडे पीरियड में और रिवर्स होता है टैक्स हॉलीडे पीरियड के बाद। टैक्स हॉलीडे पीरियड के बाद अगर रिवर्स होता है तो ऐसे टाइमिंग डिफरेंसेस के ऊपर मुझे डीटीए डिटेल क्रिएट करना पड़ेगा, और ऐसे रिवर्सल के लिए मुझे फीफो बेसिस अप्लाई करना पड़ेगा कि जो टाइमिंग डिफरेंस अराइज पहले हुआ था वो रिवर्स पहले हुआ होगा, ऐसा मुझे मानना पड़ेगा। ये टाइमिंग डिफरेंस टैक्स हॉलीडे पीरियड की बात की। फिर हमने बात की मैट की। मैट के रिगार्डिंग ध्यान क्या रखना है कि डेफर टैक्स असेट की वर्किंग में, डेफर टैक्स लायबिलिटी की वर्किंग में मैट का कोई चक्कर नहीं है। मैट का होना ना होना डेफर टैक्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अकाउंटिंग इनकम टैक्सेबल इनकम ही ली जाएगी, बुक प्रॉफिट नहीं लिया जाएगा, मैट का टैक्स रेट नहीं लिया जाएगा।
हाँ, मैट की अकाउंटिंग अलग से होगी। जब मुझे मैट का क्रेडिट मिल रहा है तो मैं एसेट क्रिएट करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू, और जिस साल मुझे रेगुलर टैक्स पे करना है तो मैं मैट का क्रेडिट जब अवेल करूंगा तो मैं मैट उतने से रिवर्स कर दूंगा पीएनएल से ही, मेरे डेफर्ड टैक्स एसेट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस वॉज अबाउट AS 22। अब अपन बात करेंगे इंड एएस 12 से, और डिफरेंसेस समझाने से पहले मैं आपको बात करूंगा कि इंड एएस 12 में कौन से स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें पहले ध्यान, हम बात करेंगे डिफरेंसेस की। पहले आप इसको देख लीजिए। चलिए अब बात करते हैं इंड एएस 12 इनकम टैक्सेस की। बहुत मजेदार इसमें पॉइंट्स हैं और मजेदार डिफरेंसेस भी हैं एएस 22 से अगर कंपेयर करें तो। पहले इंपॉर्टेंट टर्म समझ लेते हैं। पहले सबसे पहले कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट एंड लाइबिलिटी, ये क्या होता है कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट एंड लाइबिलिटी? मतलब क्या कैरिंग अमाउंट? मतलब बुक वैल्यू ऑफ असेट एंड लाइबिलिटी। बुक वैल्यू मतलब एज पर बुक्स, एज पर बुक्स। अब हम यहां पर असेट एंड लाइबिलिटी करके क्यों बोल रहे हैं? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको यही ध्यान रखना है कि AS 22 में हम अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम को कंपेयर कर रहे थे, मतलब AS 22 इनकम अप्रोच के अकॉर्डिंग चलता है, जबकि इंड एएस 12 बैलेंस शीट अप्रोच के अकॉर्डिंग चलता है। वो इनकम्स को कंपेयर नहीं करके वो असेट एंड लाइबिलिटीज की वैल्यूज को कंपेयर करता है और डिफरेंसेस निकालता है। सो इंड एएस 12 इज बेस्ड ऑन बैलेंस शीट अप्रोच। तो हम इसीलिए सबसे पहले हम पहला जो टर्म समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट और लाइबिलिटी, मतलब बुक वैल्यू ऑफ असेट एंड लाइबिलिटी एज पर बुक्स। दूसरा टैक्स बेस, टैक्स बेस ये नया टर्म है। टैक्स बेस, टैक्स बेस मतलब क्या? टैक्स बेस मतलब वैल्यू ऑफ असेट एंड लाइबिलिटी एज पर टैक्स बैलेंस शीट। टैक्स बैलेंस शीट, टैक्स बैलेंस शीट होती है कोई टैक्स के अकॉर्डिंग अलग से बैलेंस शीट बनती है क्या? नहीं। पर अगर मान लो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग अगर बैलेंस शीट बनाई जाए तो असेट की वैल्यू क्या होगी और लाइबिलिटी की वैल्यू क्या होगी? मैं आपको इसमें कई सारे एग्जाम्पल्स दे सकता हूं, पर जो कॉमन एग्जाम्पल्स है वो आप सोचिए क्या हो सकता है। जैसे फिक्स असेट के ऊपर आपने कंपनीज एक्ट में डेप्रिसिएशन लगाया, 1 लाख की असेट के ऊपर आपने 10% का डेप्रिसिएशन लगाया, रिमेनिंग वैल्यू कितनी बची? 90,000। तो 90,000 को मैं बोलूंगा कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट, कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीन एज पर बुक्स। बट इनकम टैक्स में आपको मान लीजिए 15% का डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिला फर्स्ट ईयर में, तो 1 लाख के ऊपर आपने 15% का डेप्रिसिएशन लगाया, रिमेनिंग वैल्यू बची 85,000। अगर आप इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो मशीन किस वैल्यू पे रखेंगे? 85,000 पे। तो 85,000 को मैं बोलूंगा टैक्स बेस। इस तरीके से आपको सोचना है, आपको टैक्स बेस सोचना है कि अगर इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट बनाई जाए तो क्या होगा, उस केस में असेट और लाइबिलिटी की वैल्यू क्या रहेगी। दूसरा एग्जांपल अगर अपन देखें लाइबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या हो सकता है, लाइबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो सकता है कि जैसे हम प्रोविजन क्रिएट जो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रोविजन फॉर एनी टैक्स पेबल, मान लीजिए प्रोविजन फॉर जीएसटी पेबल, प्रोविजन फॉर वैट पेबल, प्रोविजन फॉर सर्विस टैक्स पेबल, जो प्रोविजन हम क्रिएट करते हैं तो वो सारे प्रोविजन सेक्शन 43B में आते हैं और रहता है कि अगर आपने उनको विद इन ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक पे कर दिया तो आपको वो उनका डिडक्शन भी मिल जाएगा आपने प्रोवाइड फॉर करके रखा है तो, और अगर आपने विद इन ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक पे नहीं किया तो आपका डिडक्शन डिसअलाउ हो जाएगा। सो क्या हुआ, अगर मान लीजिए मैंने ऐसे किसी आइटम का प्रोविजन क्रिएट किया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो वो जो प्रोविजन क्रिएट किया है वो लाइबिलिटी साइड शो हो रहा होगा, तो मैं उसको बोलूंगा कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी एज पर बुक्स, लाइबिलिटी साइड शो हो रहा होगा। जबकि मान लीजिए मैंने प्रोविजन का रीपेमेंट, उस प्रोविजन का पेमेंट नहीं किया विद इन ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक, मैंने उसको पे नहीं किया, उस टैक्स को पे नहीं किया, तो मेरा वो डिसअलाउ हो जाएगा, और अगर वो डिसअलाउ हो जाएगा तो मतलब
अगर इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट बनाई गई तो वो मेरी बैलेंस शीट में लायबिलिटी नहीं दिखेगी, प्रोविजन होगा ही नहीं, क्योंकि प्रोविजन तो डिसअलाउ हो गया, किसी काम का प्रोविजन रहा ही नहीं, तो प्रोविजन हट जाएगा, तो इनकम टैक्स की बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग वो लायबिलिटी शो नहीं होगी। सो यहां पर टैक्स बेस हो जाएगा उसका जीरो और कैरिंग अमाउंट उसका हो जाएगा वो पर्टिकुलर अमाउंट जितने अमाउंट से आपने प्रोविजन क्रिएट किया था। सो आपको इनिशियली ये समझना बहुत जरूरी है कि कैरिंग अमाउंट क्या होता है और टैक्स बेस क्या होता है, स्पेशली टैक्स बेस, क्योंकि कैरिंग अमाउंट तो आप वाकिफ हो इस टर्म से, बट टैक्स बेस जो इंपॉर्टेंट टर्म है हो सकता है वो कुछ बच्चों को क्लियर ना हो। सो कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस देर आर टू टर्म्स, और याद रहे कि इंड AS 12 है तो बैलेंस शीट अप्रोच, मतलब बैलेंस शीट अप्रोच से चलता है वाला, इसलिए हम असेट और लायबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, टैक्स बेस और कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पर क्या मिलेगा हमें, डिफरेंसेस, क्या मिलेगा, डिफरेंसेस। उस डिफरेंसेस को बोलते हैं हम टेम्पररी डिफरेंस, क्या बोलेंगे हम, टेम्पररी डिफरेंसेस। यहां पर टर्म चेंज हो गई, AS 22 में क्या था, टाइमिंग डिफरेंसेस, AS 22 में था टाइमिंग डिफरेंस, जबकि इंड AS 12 में हम वर्ड यूज करते हैं टेम्पररी डिफरेंस। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, AS 22 में जब डिफरेंसेस हो रहे थे तो डिफरेंसेस दो प्रकार के थे, टाइमिंग डिफरेंस और परमानेंट डिफरेंस। तो मैंने आपको बताया कि परमानेंट डिफरेंस के ऊपर कोई भी डीटी डिटेल क्रिएट नहीं होता, अगर आप इन दोनों इनकम्स को कंपेयर करते हो तो डिफरेंसेस निकलते हैं, अगर परमानेंट तो परमानेंट को हम इग्नोर करेंगे। यहां पर जब आप टैक्स बेस और कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा उसको हम सिर्फ एक ही नाम से जानेंगे जिसका नाम होगा टेम्पररी डिफरेंस, और डीटी डिटेल क्रिएट होगा टेम्पररी डिफरेंस के ऊपर। सो टैक्स बेस और कैरिंग अमाउंट को कंपेयर किया जाएगा, कंपेयर जब करेंगे तो अगर दोनों में डिफरेंसेस हैं तो डिफरेंस को बोलेंगे टेम्पररी डिफरेंस। ये टेम्पररी डिफरेंस दो प्रकार का होगा, एक होगा टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस और एक होगा डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस, डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस। दो प्रकार के डिफरेंसेस होंगे, टैक्सेबल डिडक्टेबल। अब टैक्सेबल में क्या होगा, डिडक्टेबल में क्या होगा, टैक्सेबल डिफरेंस मतलब फ्यूचर में टैक्स लगेगा, टैक्सेबल वर्ड के मीनिंग पे जाइए, टैक्सेबल टाइमिंग सॉरी टेम्पररी डिफरेंस, फ्यूचर में टैक्स लगेगा मतलब क्या हो रहा है, लायबिलिटी, फ्यूचर में टैक्स लगेगा तो क्या होगा, लायबिलिटी है तो आज ही मैं उस लायबिलिटी को क्रिएट कर लू, तो टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस रिजल्ट्स इन DTL, टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस रिजल्ट्स इन DTL, और डिडक्टेबल, डिडक्टेबल मतलब मुझे फ्यूचर में डिडक्शन मिलेगा, मेरा टैक्स रिड्यूस हो जाएगा, डिडक्शन मतलब फायदा होगा, तो उसका क्या, यहां पर DTA, उससे क्या क्रिएट होगा, DTA, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और डेफर्ड टैक्स असेट। फिर से बात कर लेते हैं दो इंपॉर्टेंट टर्म्स, कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट एंड लायबिलिटी, मतलब असेट एंड लायबिलिटी की बुक वैल्यू एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मान लीजिए आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बनती है तो वो वैल्यूज, और टैक्स बेस मतलब असेट एंड लायबिलिटीज की इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कुछ अगर वैल्यूज अगर आप बैलेंस शीट बनाओगे तो वो वैल्यूज। दोनों को कंपेयर करेंगे, डिफरेंस आएगा उसको बोलेंगे टेम्पररी डिफरेंस। डिफरेंसेस दो प्रकार के होंगे, टैक्सेबल डिफरेंस और डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस। टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस रिजल्ट्स इन DTL, डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस रिजल्ट्स इन DTA। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसा मैंने आपको AS 22 में बताया था कि DTA में बनाने के लिए पैरा 15 रीजनेबल सर्टेनिटी और पैरा 17 वर्चुअल सर्टेनिटी चेक करना पड़ता है, अगर वही पैरा फुलफिल हो रहे हैं तो ही मैं DTA बनाऊंगा, अदरवाइज नहीं। याद रखिएगा वो पैरा 15 और पैरा 17 AS 22 के पैरा नंबर थे, वो यहां पर नहीं है, और रीजनेबल सर्टेनिटी या वर्चुअल सर्टेनिटी वाला पॉइंट इंड AS 12 में नहीं है, इंस्टेड उसकी जगह पर कहा जाता है कि DTA क्रिएट किया जा सकता है इफ इट इज प्रोबेबल, वर्ड है प्रोबेबल, DTA कैन बी क्रिएटेड इफ इट इज प्रोबेबल दैट इन फ्यूचर देयर विल बी सफिशिएंट टैक्सेबल इनकम अगेंस्ट विच सच टेम्पररी डिफरेंस कैन बी सेट ऑफ। सो यहां पर मैं डाल देता हूं DTA इफ इट इज प्रोबेबल दैट इन फ्यूचर there will be sufficient taxable income against which
सच टेम्पररी डिफरेंस शैल बी ऑफसेट. सो रीजनेबल सर्टेनिटी और वर्चुअल सर्टेनिटी वाला पॉइंट यहां पर नहीं है. आपको डिफरेंसेस इस थोड़े से ही आपको समझ में आ गया होगा कि AS22 और इंड AS12 में डिफरेंसेस अच्छे खासे हैं. पहला तो कंपैरिजन का, AS22 पेंडल अप्रोच मतलब इनकम अप्रोच को ध्यान रखता है, जबकि इंड AS12 में बैलेंस शीट अप्रोच चलता है, टैक्स बेस ऑफ असेट एंड लायबिलिटी एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट एंड लायबिलिटी चेक करते हैं. दूसरा जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को हम यहां पर बोलते हैं टेंपरेरी डिफरेंस, ना कि टाइमिंग डिफरेंस. डिफरेंसेस दो प्रकार के होंगे, टैक्सेबल और डिडक्टेबल. उसके बाद डीटीए क्रिएट होगा अगर प्रोबेबिलिटी सफिशियंट है कि मेरे पास फ्यूचर में सफिशियंट टैक्सेबल प्रॉफिट होगा जिसके अगेंस्ट मैं अपना टेंपरेरी डिफरेंस को सेट ऑफ कर सकता हूं. सो ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है इंड एएस 12 में इनकम टैक्सेस में. अब कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस को कंपेयर करने पर मुझे कब मालूम पड़ेगा कि वो मेरा टैक्सेबल टेंपरेरी डिफरेंस है या फिर डिडक्टेबल टेंपरेरी डिफरेंस, मुझे मालूम कैसे पड़ेगा? क्या कुछ साइन है, प्लस आया तो टैक्सेबल या माइनस आया तो डिडक्टेबल? नहीं, ये सब रटने की जरूरत नहीं है. आपको लॉजिकली ये सोचना है कि वो टैक्सेबल टेंपरेरी डिफरेंस हो रहा है कि डिडक्टेबल टेंपरेरी डिफरेंस हो रहा है. और मैं आपको उसका एक दूसरा तरीका याद रखने का बताऊंगा कि उसको आप टैक्सेबल कब मानोगे और डिडक्टेबल कब मानोगे. ठीक है, जैसे हम नॉर्मली AS22 में जब डीटीए डीटीएल क्रिएट करते हैं तो क्या सोच के चलते हैं? हम ये सोचते हैं कि फ्यूचर में टैक्स लगेगा ज्यादा, तो आप लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो तो आप लायबिलिटी बनाते हो. और आप ये सोचते हो कि फ्यूचर में टैक्स का बेनिफिट मिलेगा तो आप क्या सोचते हो? असेट. तो यहां पर भी ऐसा ही कुछ है, बट आपको ध्यान क्या रखना है, कैसे ध्यान रखना है वो चीजें समझनी पड़ेगी, उसको देखना है. उसको कैसे हम समझेंगे वो अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू चलते हैं. ओके, मान लीजिए कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीन इज 90,000 और टैक्स बेस उसी मशीन का टैक्स बेस 85,000. ये जो बैलेंसेस आ रहे हैं, ये बैलेंसेस आ रहे हैं 31 मार्च 2017 के, उनकी बैलेंस शीट से मैंने लिया हुआ है. मैंने ये 90,000 लिया हुआ है बैलेंस शीट से, जो बैलेंस शीट मैंने बनाई होगी. और मैंने ये 85,000 लिया है मैंने जो ब्लॉक ऑफ असेट, मैंने असेट का चार्ट बनाया होगा इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, वहां से हम ले सकते हैं 85,000. मतलब अगर इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट बनाए तो 85,000 लिख सकते हैं. ये क्या है? इसको एक तरीके से हम बोलते हैं WDV, रिटर्न डाउन वैल्यूज. ये WDVs है. अब आप इनको ध्यान से देखिए, 90,000 क्या दिखा रहा है कि फ्यूचर में 90,000 का डेप्रिसिएशन और हमें प्रॉफिट एंड लॉस में बुक करना है थोड़ा थोड़ा करके. एंटिटी फ्यूचर में 90,000 का डेप्रिसिएशन और भी पीएनएल में डेबिट करने वाली है, जबकि इनकम टैक्स आपको सिर्फ कितने का बेनिफिट देने वाला है फ्यूचर में थोड़ा थोड़ा करके? 85,000 का बेनिफिट देने वाला है. तो आपको क्या लगता है, आप फ्यूचर में 90,000 का बेनिफिट लेना चाह रहे हो बट इनकम टैक्स आपको बेनिफिट सिर्फ 85,000 का देने वाला है, मतलब क्या हुआ? फ्यूचर में आपको बेनिफिट इनकम टैक्स से बहुत मतलब थोड़ा सा कम मिलेगा, 5,000 का कम मिलेगा, मतलब टैक्स ज्यादा लगेगा. तो इसका मतलब क्या हुआ, ज्यादा टैक्स लगेगा, मतलब कौन सा डिफरेंस? टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस. सो इट विल रिजल्ट इन DTL. आपको इस तरीके से सोचना है कि आगे चल के आपको क्या होगा. सो इट विल रिजल्ट इन टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस DTL. ये एक तरीका हो सकता है आपको समझ में आए कि आप दो जब चीजों को कंपेयर करेंगे कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस को, तो आप फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि कितना बेनिफिट कहां कितना कैसे मिल रहा है. तो ज्यादा मिल रहा है तो असेट, या कम मिल रहा है तो लायबिलिटी. चलिए एक और एग्जांपल से चलते हैं. असेट के अलावा कोई दूसरा एग्जांपल उठा लेते हैं जहां पर हमारे कुछ डिसअलाउज हो सकते हैं, उसमें हम देखते हैं कि डीटीए डीटीएल क्या बनेगा, कैसे बनेगा. मान लीजिए मैंने एक प्रोविजन क्रिएट किया, प्रोविजन फॉर बोनस पेबल
क्रिएट किया 50,000 का, प्रोविजन फॉर बोनस पेबल 50,000 का क्रिएट किया, तो वो मेरी इसको मैं क्या बोलूंगा, कैरिंग अमाउंट, इसको मैं क्या बोलूंगा, कैरिंग अमाउंट, क्योंकि ये मेरी बैलेंस शीट में एज अ प्रोविजन दिख रहा होगा, पर ये मैंने पे नहीं किया टिल 30th सितंबर तक। 30th सितंबर में मान के चल रहा हूं कि लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न है। सो नॉट पेड टिल ड्यू डेट, तो सेक्शन 43B के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। अगर ये डिसअलाउ हो जाएगा सेक्शन 43B के अकॉर्डिंग, अगर ये डिसअलाउ हो जाएगा तो क्या होगा, अगर ये डिसअलाउ हो जाएगा तो क्या होगा, तो क्या ये इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट अगर बनाई जाएगी तो उसमें लायबिलिटी दिखेगी क्या? नहीं, टैक्स बेस उसका हो जाएगा निल। निल क्यों सर? क्योंकि आप इनकम टैक्स में उसको डिसअलाउ कर रहे हो, डिसअलाउ कर रहे हो तो प्रोविजन इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कोई प्रोविजन हुआ ही नहीं। आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सॉरी आपने बोनस अकाउंट, बोनस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बोनस पेबल कर दिया और बोनस एक्सपेंस को डाल दिया पीएनएल में, डिसअलाउ हो गया तो वो पीएनएल से उठ गया और लायबिलिटी जो प्रोविजन की थी वो रिवर्स हो गई, मतलब आपने रिवर्सल एंट्री कर दी एक तरीके से इनकम टैक्स में। एंट्री होती नहीं है बट एक तरीके से आप अगर इसको समझेंगे तो इसकी रिवर्सल एंट्री हो गई, प्रोविजन हो गया डेबिट और बोनस एक्सपेंस हो गया क्रेडिट, तो आपके पीएनएल से हट गया, आपका टैक्सेबल प्रॉफिट बढ़ गया और प्रोविजन हट गया। तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग अगर टैक्स बेस निकाले मतलब बैलेंस शीट बनाए तो प्रोविजन का अमाउंट कितना होगा? निल। अब यहां पर ध्यान से देखिए, ये एक कैरिंग अमाउंट है और यहां टैक्स बेस भी दिया हुआ है, कैरिंग अमाउंट 50,000 रुपए, टैक्स बेस इज निल। मतलब क्या हुआ? टैक्स बेस निल है और कैरिंग अमाउंट 50,000 रुपए है। दोनों हम अगर लायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेरी लायबिलिटी दिख रही है 50,000 रुपए की, जबकि टैक्स बेस मेरा निल है। बट फ्यूचर में जब मैं इसको रीपे करूंगा, जब मैं फ्यूचर में बोनस का पेमेंट करूंगा तो मुझे इसका डिडक्शन मिलेगा, और जब मुझे फ्यूचर में इसका डिडक्शन मिलेगा तो मुझे इससे फायदा होगा, और अगर फायदा होगा तो मुझे क्या बनाना चाहिए, डीटीए। मतलब ये कौन सा डिफरेंस हुआ, 50 और निल, मतलब दोनों में डिफरेंस कितना हुआ, 50,000 का। इस डिफरेंस को मैं क्या बोलूंगा, डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस। एक और तरीका हो सकता है याद रखने का, आप अगर उलझ रहे हैं कि टैक्सेबल और डिडक्टेबल कैसे डिफरेंसेस निकालेंगे, तो आपने बचपन में 11th क्लास में बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, और बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जब आप पढ़ते थे तो आप दो चीजों को कंपेयर करते थे, एक कैशबुक और एक पासबुक। हम हमेशा अपना कैशबुक पासबुक से मिलाते थे रिको करने के लिए, तो प्लस माइनस करा करते थे, हम अपना हमेशा कैशबुक को पासबुक से मिलाते थे। वैसे ही आप मान लीजिए कि यहां पर भी आपको रिकंसिलेशन करना है, कैसे? आप मान लीजिए कि जो कैरिंग अमाउंट होता है, कैरिंग अमाउंट हो गई आपकी कैशबुक, बैंक रिको के हिसाब से, और टैक्स बेस जो हो गया वो हो गया आपका पासबुक। भाई आपकी पासबुक कभी चेंज नहीं हो सकती, मतलब पासबुक जो आपके हाथ में नहीं है वो बैंक के हाथ में है, वैसे ही टैक्स बेस जो मेरे हाथ में नहीं है वो इनकम टैक्स के हाथ में। तो कैशबुक और पासबुक को आप कंपेयर करते थे, आप क्या करते थे, कैशबुक को पासबुक पे पास ले जाते थे। वैसे ही टेक्निक आपको यहां अप्लाई करनी है, कैसे? आपके एक हाथ में दिख रहा है कैशबुक और दूसरे हाथ में आपका पासबुक, कैशबुक में 50,000 दिख रहा है और पासबुक में जीरो दिख रहा है, पासबुक में कुछ भी है नहीं है, और आपको कैशबुक को किसके पास ले जाना है, पासबुक के पास, मतलब आपको कैरिंग अमाउंट को लेके जाना है टैक्स बेस के पास। तो आप कैरिंग अमाउंट को जब टैक्स बेस की तरफ लेके जाओगे तो उसको निल करना पड़ेगा, टैक्स बेस तो पहले से ही निल है और कैरिंग अमाउंट 50,000 रखा है। अगर आपको टैक्स बेस पर जाना है मतलब आपको 50,000 हटाना पड़ेगा, मतलब आपको लायबिलिटी हटानी पड़ेगी, लायबिलिटी को कम करना मतलब असेट क्रिएट करना, आप इस तरीके से करेंगे, लायबिलिटी को हटाना पड़ेगा मतलब असेट, लायबिलिटी हटाना मतलब इसका उल्टा असेट बनाना, तो असेट बनाना मतलब डेफर्ड टैक्स असेट। यहां देख लीजिए, यही बैंक रिको वाली टेक्निक, कैरिंग अमाउंट मतलब कैशबुक, टैक्स बेस मतलब पासबुक, कैरिंग अमाउंट मतलब कैशबुक और टैक्स बेस मतलब पासबुक। कैशबुक में कितना रखा है, 90,000 असेट, और पासबुक में कितना रखा है, 85,000 का असेट, 90,000 का असेट और 85,000 का असेट,
कैरिंग अमाउंट थोड़ी सी ज्यादा है, ऊपर है, मुझे क्या करना है, पासबुक की तरफ जाना है, मतलब मुझे इनकम टैक्स की तरफ जाना है टैक्स बेस, तो मुझे असेट को नीचे करना पड़ेगा, 90 से 85 पे आना पड़ेगा, 5000 से नीचे आना पड़ेगा। तो मैं जब नीचे आ रहा हूं, असेट हटा रहा हूं, असेट हटाना मतलब लायबिलिटी, तो इसलिए मैंने यहां पर लायबिलिटी बनाई। सो बेस्ट टेक्निक है ये बैंक रिको वाली। आप बैंक रिको की टेक्निक के अकॉर्डिंग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे डीटीएल बनाना है या डीटीए बनाना है। अगर आप उसको डीटीएल बनाओगे तो आप हमेशा क्या नाम दोगे, टैक्सेबल, और डीटीए बनाओगे तो आप उसको नाम क्या दोगे, डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस। सो ऑल इन ऑल ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहले आप इनको देख लीजिए, उसके बाद मैं इसमें और आगे बात करूंगा। चलिए अब आगे देखते हैं इनकम टैक्सेस इंड एएस 12 में और क्या क्या चीजें हैं। क्योंकि इंड एएस है नया है तो ये चीजें मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूं कि आपको कहां कहां ध्यान देना है। डेफर्ड टैक्स ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ असेट और रीवैल्यूएशन रिजर्व, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, हो सकता है ये पूछा जाए। मान लीजिए 31/3/17 को कैरिंग अमाउंट आफ्टर डेथ 1,00,000 रुपए और मैंने इस असेट को रीवैल्यू कर दिया, मैंने 20,000 से असेट को रीवैल्यू कर दिया तो असेट की वैल्यू कितनी आ गई, 1,20,000। मेरे बैलेंस शीट में असेट कितना दिखेगा, 1,20,000 और यहां दिखेगा रिवैल्यूएशन रिजर्व। रिवैल्यूएशन रिजर्व कहां जाएगा, ओसीआई में। रिवैल्यूएशन रिजर्व कहां जाएगा, ओसीआई, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अगर आपको यह पता करना है कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या है तो मैंने अपने एक लेक्चर में अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के बारे में बताया, तो आप वो देख सकते हैं। तो ओसीआई अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जो चीजें प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाती, जो चीजें ऐसी चीजें जो किसी इंड एएस के अकॉर्डिंग पीएनएल में नहीं जाती, उसको रूट किया जाएगा ओसीआई के थ्रू। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व चला गया यहां पर 20,000। ऐसे केस में डीटी का क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम बोलेंगे दिस इज अ कैरिंग अमाउंट। मान लीजिए टैक्स बेस, सपोज मान लीजिए टैक्स बेस 1,00,000 है, मतलब अगर मैं रीवैल्यू नहीं करता अपनी एसेट को तो मेरा कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस एक ही होता, फॉर एग्जाम्पल एक ही होता, तो मेरा टैक्स बेस 1,00,000 है। आपको पता है कि इनकम टैक्स में रीवैल्यूएशन को मान्य नहीं है, मतलब रीवैल्यूएशन को कंसिडर नहीं किया जाता, रिवैल्यूएशन नाम की कोई चीज इनकम टैक्स में नहीं होती। सो टैक्स बेस तो उसका कितना रहेगा, 1,00,000, चाहे मैं रिवैल्यूएशन कर भी लूं तो भी इनकम टैक्स में मेरा टैक्स बेस रहेगा 1,00,000। सो अगर मेरा टैक्स बेस 1,00,000 है और यहां पर 120 है, सो यहां पर ध्यान दीजिए वही बैंक रिको टेक्निक अगर आप अप्लाई करोगे तो टैक्स बेस 1,00,000 है और कैरिंग अमाउंट 120 है। कैरिंग अमाउंट क्या है, 120, मुझे टैक्स बेस की तरफ लाना है, मतलब मुझे असेट को नीचे करना है, असेट को 20,000 से नीचे करना है, मतलब लायबिलिटी, असेट को नीचे करना मतलब लायबिलिटी। तो क्या क्रिएट होगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, इससे क्या क्रिएट होगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि डेफर्ड टैक्स ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ असेट से, असेट को रीवैल्यू करने से डीटीएल क्रिएट होता है, डीटीएल क्रिएट होता है, और डीटीएल अगर क्रिएट होता है तो उसको बोलेंगे टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस। सर क्यों ये रीवैल्यूएशन पे टेम्पररी डीटीएल क्यों, ऐसा हम एएस 22 में तो नहीं करते थे, एएस 22 में तो ये एक तरीके से परमानेंट डिफरेंस हो गया। नहीं, यहां पर अगर आप सोचेंगे तो ये टेम्पररी डिफरेंस बिल्कुल करेक्ट है। क्यों, क्योंकि रिवैल्यूएशन अगर किया गया है एंटिटी के द्वारा, पहली बात तो रिवैल्यूएशन इतनी आसानी से नहीं होता है, एंटिटी अगर रिवैल्यू कर रही है अपनी एसेट की वैल्यू बढ़ा रही है, सो दैट मींस कि एसेट की अगर वैल्यू बढ़ रही है तो इसका मतलब एसेट मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स ज्यादा प्रोवाइड करेगी, और अगर मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे तो किस फॉर्म में मिलेंगे, या तो मुझे एक्सेस प्रोडक्टिविटी मिलेगी, उसकी प्रोडक्शन ज्यादा होगा, जिसको मैं सेल करूंगा तो मेरा प्रॉफिट होगा टैक्सेबल,
या तो जब मैं उसको बेचूंगा तो मेरा कैपिटल गेन अराइज होगा, क्या अराइज होगा, कैपिटल गेन अराइज होगा, एंटिटी को फ्यूचर में एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे, इसीलिए एंटिटी टैक्स की सॉरी अपने असेट की वैल्यू बढ़ा रही है, मतलब फ्यूचर में या तो कैपिटल गेन होगा अगर हम असेट को बेचेंगे, या तो फिर ये होगा कि मेरा प्रोडक्शन ज्यादा होगा, असेट से ज्यादा यूटिलिटी होगी, प्रोडक्टिविटी होगी, तो मुझे टैक्सेबल प्रॉफिट अराइज होगा। सो फ्यूचर में टैक्स लगेगा ड्यू टू दीज थिंग्स। सो इसीलिए मैं क्या बोल सकता हूँ, ये मेरा टैक्सेबल डिफरेंस है, और इस टैक्सेबल डिफरेंस को मैंने परमानेंट नहीं मान के DTL क्रिएट कर लिया, क्योंकि मेरा ये परमानेंट नेचर का नहीं है। सो अपने को ध्यान रखना है DTL क्रिएट होगा टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस मानते हुए यहां पर रिवैल्यूएशन के केस में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज DTL शैल बी क्रिएटेड थ्रू OCI। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, DTL क्रिएट होगा OCI के थ्रू, यह याद रखना है आपको। क्यों? क्योंकि यहां पर DTL कहां पर क्रिएट हो रहा है, डिफरेंस कौन सा है, रिवैल्यूएशन रिजर्व के कारण, और जितना रिवैल्यूएशन रिजर्व के कारण आपका डीटीएल आ रहा है, क्योंकि रिवैल्यूएशन रिजर्व को आप ओसीआई में ले जाते हो, तो जो उसका डीटीएल भी रहेगा, डेफर्ड टैक्स भी रहेगा, वो ओसीआई में जाएगा। एंट्री होगी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, मतलब रिवैल्यूएशन रिजर्व टू डीटीएल, रिवैल्यूएशन रिजर्व टू डीटीएल। आई बात समझ में आपको? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डीटीएल ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट या रिवैल्यूएशन रिजर्व। ऐसे ही अपन एक और एग्जांपल देखते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का एग्जांपल देखने के लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा, पहले आप इसको देख लें फिर अपन समझते हैं। ओके, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट एग्जांपल की। एग्जांपल आप ध्यान से देखिएगा, मैंने बोर्ड पे पहले से ही लिख के रखा है। AS 30, 31, 32 या Ind AS 109, 107 और 32, आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अगर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि कुछ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके दो हिस्से करने पड़ते हैं, इक्विटी और फाइनेंशियल लाइबिलिटी, या इक्विटी पोर्शन और फाइनेंशियल असेट पोर्शन। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जिसके दो हिस्से होते हैं, एक इक्विटी का पोर्शन और एक फाइनेंशियल लायबिलिटी का पोर्शन। ये चीज हम अगर करते हैं तो हमारे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होगी, इनकम टैक्स को इन सब चीजों को कंसिडर नहीं करता, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग तो वो एक लायबिलिटी हुई। आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए की डिबेंचर इशू किए, आपने 1 लाख रुपए की डिबेंचर इशू किए, तो वो 1 लाख रुपए का जो डिबेंचर इशू आपने किया, तो इनकम टैक्स की बैलेंस शीट में आपने पूरे की पूरी वो आपकी क्या देखेगी, लायबिलिटी 1 लाख रुपए की, जबकि वो आपके कन्वर्टेबल डिबेंचर थे, तो Ind AS 109 के अकॉर्डिंग वो आपका कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट था, तो आपने उसके दो हिस्से कर लिए, उसमें आपने 25,000 इक्विटी पोर्शन कर दिया और 75,000 आपने फाइनेंशियल लायबिलिटी पोर्शन कर दिया। तो यहां पर फाइनेंशियल लायबिलिटी 75,000 है, तो मेरे कैरिंग अमाउंट फाइनेंशियल लायबिलिटी का कितना होगा, 75,000, जबकि टैक्स बेस उसका कितना हुआ, 1 लाख। टैक्स बेस और कैरिंग अमाउंट में दोनों में डिफरेंस आ गया, डिफरेंस जो आएगा उसको क्या बोला जाएगा, डीटीएल। क्यों डीटीएल, आप ध्यान से देखें, टैक्स बेस है 1 लाख और कैरिंग अमाउंट है 75,000, तो 1 लाख के ऊपर जाना, मुझे 1 लाख के पास जाना है 75 को लेके, मैं ऊपर जाऊंगा लायबिलिटी की तरफ जाऊंगा, तो मुझे डीटीएल क्रिएट करना पड़ेगा, और डीटीएल क्रिएट होगा इक्विटी के थ्रू। क्यों? क्योंकि यहां पर ऊपर जो हमने कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में जो हमने डिफरेंस निकाला था वो कहां चला गया था, इक्विटी में, उसका इफेक्ट पीएनएल में नहीं गया था, तो यहां पर भी डीटीएल कहां से क्रिएट होगा, इक्विटी से क्रिएट होगा। सो आपको यह ध्यान देना है कि जब ऐसा कोई डिफरेंस अराइज होगा जो पीएनएल के थ्रू क्रिएट नहीं हो रहा है या पीएनएल को इंपैक्ट नहीं कर रहा है, ओसीआई को या इक्विटी को इंपैक्ट कर रहा है, तो आपको डीटीएल डीटीएल डीटीए डीटीएल भी इक्विटी या ओसीआई के थ्रू ही बनाना पड़ेगा। चलिए इसी के साथ अपन अपने टॉपिक को खत्म करते हैं, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक अगला अपन बात करेंगे। हाँ जी, अब बात करते हैं AS 11।
effects of changes in foreign exchange rates versus Ind AS 21 effects of changes in foreign exchange rates. नाम में कोई चेंज नहीं है बट अंदर बहुत सारे कंटेंट्स में चेंजेस हैं. AS 11 दो मिनट में पहले क्विक रिवीजन कर लें. AS 11 में आपने पढ़ा था दो टाइप की करेंसी होती है, रिपोर्टिंग करेंसी और फॉरेन करेंसी. रिपोर्टिंग करेंसी मतलब वो करेंसी जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिपोर्ट करना पड़ता है, और दूसरी होती है फॉरेन करेंसी. फॉरेन करेंसी मीन्स अदर देन रिपोर्टिंग करेंसी. दो टाइप की करेंसी होती है, ठीक है. फिर अगर हम बात करें Ind AS 21 की, तो अब Ind AS 21 में तीन टाइप की करेंसी रहेंगी. Ind AS 21 में तीन टाइप की करेंसी रहेंगी, फॉरेन करेंसी, फंक्शनल करेंसी और प्रेजेंटेशन करेंसी. फॉरेन करेंसी, फंक्शनल करेंसी और प्रेजेंटेशन करेंसी, मतलब यहां पर अब रिपोर्टिंग करेंसी हटा दिया, रिपोर्टिंग करेंसी की जगह पर लेके आए वो प्रेजेंटेशन करेंसी. प्रेजेंटेशन करेंसी मतलब करेंसी इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड, ठीक है. ये हो गया आपका प्रेजेंटेशन करेंसी. फॉरेन करेंसी सेम, अदर देन फंक्शनल करेंसी, मतलब वहां था अदर देन रिपोर्टिंग करेंसी, यहां हो गया अदर देन फंक्शनल करेंसी. इसका मतलब जो इंपॉर्टेंट एक चेंज आया है वो ये आया है कि फंक्शनल करेंसी वो एक नया सिस्टम लेके आ गए. फंक्शनल करेंसी, फंक्शनल करेंसी मतलब क्या है? द करेंसी ऑफ प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरमेंट इन विच एंटिटी जनरेट्स और एक्सपैंड्स कैश. वो करेंसी जिस करेंसी में जनरली एंटिटी कैश जनरेट करती है या फिर एक्सपेंडिचर कैश में वो उस करेंसी में करती है. तो इन विच द एंटिटी जनरेट्स और एक्सपेंड्स कैश, ऐसी एंटिटी प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरमेंट, एंटिटी करेंसी ऑफ द प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरमेंट. सो फंक्शनल करेंसी, ये फंक्शनल करेंसी लाने का कारण क्या है? अब क्या होगा कि अगर एक एंटिटी की फंक्शनल करेंसी डॉलर है तो वो सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगी डॉलर में. मतलब वो आप ये कह सकते हो सिंपल तरीके से कि अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की जाएंगी फंक्शनल करेंसी में. और अगर मैं कोई ट्रांजेक्शन करता हूं यूरो में या पाउंड में, वो मेरे लिए हो जाएगी फॉरेन करेंसी, क्योंकि फॉरेन करेंसी मींस अदर देन फंक्शनल करेंसी. अगर मेरे लिए फंक्शनल करेंसी डॉलर है तो मेरे लिए बाकी सारी करेंसीज क्या हो जाएंगी? फॉरेन करेंसी हो जाएंगी. तो अगर मैं अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉलर में मेंटेन कर रहा हूं तो मेरे लिए बाकी करेंसीज हो जाएंगी फॉरेन करेंसी. मैं कोई ट्रांजेक्शन कर रहा हूं यूरो में तो मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा फॉरेन टू फंक्शनल. किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? फॉरेन टू फंक्शनल. मैं फॉरेन टू फंक्शनल में कन्वर्ट करके लाऊंगा. अब मान लीजिए कि मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स फंक्शनल करेंसी में मेंटेन होते हैं. अब मुझे अपनी बैलेंस शीट इंडिया में भी सबमिट करना पड़ता है. मान लीजिए मेरी कंपनी इंडिया में भी लिस्टेड है, मेरी फॉरेन कंपनी है, तो मेरे जो बेसिक जो करेंसी है वो मेरी फंक्शनल करेंसी जिसमें मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता हूं. बट मान लीजिए मुझे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं इंडिया के हिसाब से भी, इंडियन करेंसी में भी मुझे बनाने पड़ते हैं, तो इंडियन करेंसी मेरे लिए हो जाएगी प्रेजेंटेशन करेंसी अलग से. मतलब मेरी दो दो बैलेंस शीट होंगी, एक तो जो मेरी मेन बैलेंस शीट होगी फॉरेन करेंसी फंक्शनल करेंसी के हिसाब से, और दूसरी मेरी बैलेंस शीट होगी इंडियन करेंसी के हिसाब से. और इंडियन करेंसी के हिसाब से जो बैलेंस शीट होगी उसको मैं बोलूंगा प्रेजेंटेशन करेंसी. मतलब दो बार ट्रांसलेशन होगा, पहली बार होगा फॉरेन टू फंक्शनल एंड दूसरी बार होगा फंक्शनल टू प्रेजेंटेशन. अब आगे बढ़ते हैं, फंक्शनल करेंसी का मीनिंग फिर से देख लेते हैं. करेंसी ऑफ प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरमेंट, क्या बोला गया है? प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरमेंट इन विच द एंटिटी जनरेट्स एंड एक्सपेंड्स कैश. जिस एनवायरमेंट में एंटिटी कैश जनरेट करती है या फिर उसको खर्च करती है, ऐसा प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरमेंट. सो ये कैसे मालूम पड़ेगा कि वो फंक्शनल करेंसी वो प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरमेंट के हिसाब से क्या हुई? सो उसके कुछ इंडिकेटर्स बताए गए हैं Ind AS 21 में. प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरमेंट इंडिकेटर्स क्या है उसके, कि मतलब मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरा प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरमेंट कौन सा है? इंडियन एनवायरमेंट है, यूएस का एनवायरमेंट है, और अफ्रीकन एनवायरमेंट है. मेरा कौन सा इकोनॉमिक एनवायरमेंट प्राइमरी है मेरे लिए? मान लीजिए मेरी कंपनी ऑपरेट करती है कई सारी कंट्रीज में और कई अलग अलग ट्रांजेक्शन मेरे अलग अलग करेंसीज में होते हैं, तो मेरे लिए फंक्शनल करेंसी क्या होगी? तो ऐसे इसके लिए मुझे समझना पड़ेगा कि मेरा प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरमेंट क्या है. उसके लिए कुछ इंडिकेटर्स दिए गए हैं. इंडिकेटर्स को बांटा गया है दो हिस्सों में, प्राइमरी इंडिकेटर्स और अदर इंडिकेटर्स. प्राइमरी इंडिकेटर्स मतलब सबसे पहले हमें ये चेक करने हैं, अगर हमारे ये सेटिस्फाई होते हैं तो अदर इंडिकेटर्स देखने की जरूरत नहीं. बट अगर प्राइमरी इंडिकेटर्स हमारे सेटिस्फाई नहीं होते तो हमें अदर इंडिकेटर्स को कंसिडर करना पड़ेगा. क्या कहा गया है प्राइमरी इंडिकेटर्स में? प्राइमरी इंडिकेटर्स में पहला कहा गया है कि ऐसी करेंसी जिस करेंसी में या उस कंट्री की करेंसी जिस कंट्री में आपकी सेल प्राइस इन्फ्लुएंस होती है, या फिर आपके गुड्स और सर्विसेज की सेल प्राइस किस करेंसी से इन्फ्लुएंस होती है.
करेंसी दैट इन्फ्लुएंस द सेल प्राइस एंड करेंसी ऑफ द कंट्री हुज कॉम्पिटिटिव फोर्सेस डिटरमाइन द प्राइस. मैं मान लीजिए पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट में डील करता हूं, वो प्रोडक्ट के सेल प्राइस इन्फ्लुएंस होते हैं डॉलर से. मतलब बिना डॉलर को कंसिडर किए हुए मैं किसी भी कंट्री के कंट्री में बेचने के लिए वो पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज को सेल करने के लिए, सप्लाई करने के लिए मैं प्राइस डिसाइड नहीं कर सकता हूं जब तक मुझे यूएस के प्राइसेस का इंपैक्ट ना मालूम पड़ जाए मेरे गुड्स और सर्विसेज में. सो मेरे गुड्स एंड सर्विसेज के सेल प्राइस इन्फ्लुएंस होते हैं थ्रू डॉलर, तो मेरे लिए डॉलर हो सकता है फंक्शनल करेंसी बन जाए. या फिर दूसरा, करेंसी दैट मेनली इन्फ्लुएंस द कॉस्ट मटेरियल दैट मीन मटेरियल लेबर या एक्सेट्रा. दैट मीन्स ये हुआ कि सपोज सेल प्राइस मेरे कौन सी करेंसी मेरे सेल प्राइस को इन्फ्लुएंस कर रही है, ये मेरे लिए पता लगाना मुश्किल है. इंडिया में भी हो सकता है, इंडियन करेंसी भी हो सकता है, यूएस भी हो सकता है, या हर कंट्री की करेंसी अलग अलग तरीके से रहती है, तो मैं फर्स्ट में नहीं कर सकता हूं. तो मैं ये देखूंगा कि उन गुड्स और सर्विसेज को करने के लिए मेरे जो मेजर कॉस्ट है वो कौन सी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वो कौन सी करेंसी में लगते हैं. क्या वो इंडियन करेंसी में लगते हैं तो मेरे लिए इंडियन करेंसी हो जाएगी प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरमेंट की करेंसी, मतलब फंक्शनल करेंसी. अदर इंडिकेटर्स, अगर मेरे प्राइमरी इंडिकेटर सेटिस्फाई नहीं होते तो क्या, तो अदर इंडिकेटर्स में क्या होगा, करेंसी इन विच फंड्स फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर जनरेटेड. आप अपने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के फंड्स, जैसे आप इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, लोन्स वगैरह कौन सी करेंसी में जनरेट करते हैं, आप लोन्स और सोर्स ऑफ फंड्स आप किस करेंसी में जनरेट करते हैं, तो जिस करेंसी में आप मेजर सोर्स ऑफ फंड्स जनरेट करते हैं. मान लीजिए एक कंपनी है जो ऑपरेट करती है यूएस में भी और इंडिया में भी, बट उनके मेजर फंड्स जनरेट होते ही यूएस डॉलर्स में, सो उनके लिए यूएस डॉलर्स बन जाएगा प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, तो उनके लिए डॉलर बन जाएगी फंक्शनल करेंसी. या फिर लास्ट, करेंसी इन विच द रिसीट्स फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर रिटेन्ड. कौन सी करेंसी के रिसीट्स आप अपने रिटेन करके रखते हैं, कौन सी करेंसी के रिसीट्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के रिसीट्स आप रिटेन करके रखते हैं. हो सकता है आप अपना, आपके दो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, आप यूएस में भी सेल करते हैं और इंडिया में भी सेल करते हैं, तो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी दो जगह से हो रही है, यूएस में भी और इंडिया में भी, बट आप इंडियन करेंसी को रिटेन करके रखते हैं और यूएस करेंसी को खर्च कर देते हैं, तो रिटेंशन किस करेंसी में होता है उस करेंसी को बोला जा सकता है करेंसी ऑफ द प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. ये सारे इंडिकेटर्स हमें लाइन बाय लाइन चेक करने पड़ेंगे. सेल प्राइस को इन्फ्लुएंस करने वाला, दूसरा कॉस्ट को इन्फ्लुएंस करने वाला, तीसरा फंड्स फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जनरेट किस में होता है, और चौथा फंड्स ऑपरेटिंग सॉरी रिसीट्स फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज किस में रिटेन होती है. ये चार इंडिकेटर्स देख के हम पता लगा सकते हैं कि हमारी फंक्शनल करेंसी क्या होगी. तो फॉरेन करेंसी, फंक्शनल करेंसी और प्रेजेंटेशन करेंसी. याद रखिएगा, फंक्शनल करेंसी कोई चॉइस नहीं है, फ्री चॉइस नहीं है कि आपको डॉलर ना लेके आप इंडियन करेंसी ले लो, इंडियन करेंसी ना लेके आप यूरो ले लो, ऐसा कोई चॉइस नहीं है. जहां ये इंडिकेटर्स आपके लगेंगे उसी हिसाब से आपको फंक्शनल करेंसी चूज करना पड़ेगा. आगे बात करते हैं अपन कि फंक्शनल करेंसी क्या चेंज हो सकती है, चेंज इन फंक्शनल करेंसी, क्या मैं फंक्शनल करेंसी को बाद में कभी चेंज कर सकता हूं. हाँ, फंक्शनल करेंसी चेंज हो सकती है अगर मेरी कंडीशंस या सिचुएशंस जिस बेसिस पे मैंने इंडिकेटर्स को चेक किया था वो मेरे इंडिकेटर्स अब बदल गए हैं, मेरे ट्रांजेक्शन्स बदल गए हैं, मेरे सेल्स प्राइस का इन्फ्लुएंस करने वाला सिस्टम बदल गया है. तो अगर ऐसा कुछ कंडीशंस या ट्रांजेक्शन बदल रहे हैं तो मैं फंक्शनल करेंसी को चेंज कर सकता हूं. और अगर मैंने अपनी फंक्शनल करेंसी को चेंज किया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सारे आइटम्स, असेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम्स और एक्सपेंसेस और इक्विटी, सारे आइटम्स को एक ही रेट पे चेंज करना पड़ेगा. कौन से, एक ही रेट पे चेंज करना पड़ेगा, और वो रेट कौन सा होगा, वो रेट होगा एक्सचेंज रेट होगा उस दिन का जिस दिन आप फंक्शनल करेंसी को चेंज कर रहे हो. और क्योंकि आप सारे आइटम्स को सेम रेट पे चेंज करोगे तो आपका कोई भी एक्सचेंज डिफरेंस अराइज नहीं होगा. सो इसमें कोई एक्सचेंज डिफरेंस अराइज नहीं होगा जब अपन फंक्शनल करेंसी, एक फंक्शनल करेंसी से दूसरी फंक्शनल करेंसी में चेंज कर रहे हैं. तो याद ये रखना है कि हमें किस दिन का एक्सचेंज रेट लेना है, ऑन द डेट ऑफ चेंज. अब इजी पॉइंट की बात करते हैं, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन जो AS 11 में भी था. अगर कोई भी आप फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, AS 11 में जैसा ट्रीटमेंट था वैसा ही ट्रीटमेंट Ind AS 21 में भी है. AS 11 कहता था कि जब आप फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन करते हो तो इनिशियल रिकॉग्निशन आपको स्पॉट रेट पे करना पड़ेगा. यहां पर भी सेम वही है, अगर आप फॉरेन करेंसी में कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको स्पॉट रेट देना पड़ेगा बिटवीन फॉरेन करेंसी एंड फंक्शनल करेंसी, स्पॉट रेट पे आप रिकॉग्नाइज करोगे. फिर सबसेक्वेंट रिकॉग्निशन था, सबसेक्वेंट रिकॉग्निशन के केस में था कि फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम्स को हमें सबसेक्वेंटली रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा.
एट क्लोजिंग एक्सचेंज रेट, तो हमें यहां पर भी फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम्स को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा एट क्लोजिंग एक्सचेंज रेट, या वो आइटम्स ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज जो कि वैल्यू फेयर वैल्यू होते हैं, तो जिस दिन आप फेयर वैल्यू करते हो उस दिन का आपको एक्सचेंज रेट लेना पड़ता है। तो सेम हमें ट्रीटमेंट AS 11 में जो बताया गया है वही का वही ट्रीटमेंट होगा। एक्सचेंज डिफरेंस जो भी आता था वो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाते थे, यहां पर भी वही है, एक्सचेंज डिफरेंस जो भी आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे। हाँ, एक एक्सेप्शन जरूर है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो चेंज होगा, एक्सेप्शन होगा। ये वाली बात इंड AS 21 में है और AS 11 में ये वाली बात कभी नहीं की गई थी। ये क्या है? नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन, मतलब एक होल्डिंग कंपनी इंडिया में बैठी है जिसकी एक सब्सिडरी कंपनी है, मान लीजिए वो यूएस में बैठी है, सब्सिडरी कंपनी यूएस में बैठी है और सब्सिडरी कंपनी में मेरा इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन ऑपरेशन है। तो सब्सिडरी कंपनी में मेरा क्योंकि इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन ऑपरेशन है, तो मेरे जो भी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू में जो चेंजेस हो रहे हैं उनका एक्सचेंज डिफरेंस मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करूंगा, एक्सचेंज डिफरेंस में रिकॉर्ड करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ये होती है स्टैंड अलोन में, मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसको पीएनएल में रिकॉर्ड करूंगा। बट जब मैं कंसोलिडेट करके लेके आऊंगा, या फिर आप ये मान सकते हो एक एग्जांपल के तौर पर कि मैं एक होल्डिंग कंपनी और दूसरी एक सब्सिडरी कंपनी है, मैंने अपनी कंपनी को लोन दिया, मैंने अपनी सब्सिडरी कंपनी को एक लोन दिया इंडियन करेंसी में, मैं इंडिया में बैठा हूं और मेरी कंपनी मेरी सब्सिडरी कंपनी यूएस में बैठी है, मैंने अपनी सब्सिडरी कंपनी को एक लोन दिया इंडियन करेंसी में, मेरे लिए ये ट्रांजेक्शन फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ क्योंकि मेरे लिए फंक्शनल करेंसी है और मैंने लोन भी रुपीज में दिया, तो मैं तो रिकॉर्ड करूंगा उसको अपने हिसाब से। पर जो मेरी सब्सिडरी कंपनी है वो अपने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड करेगी यूएस डॉलर में वो लोन, तो उसके लिए हो जाएगा वो फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन और फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन को वो इनिशियली रिकॉर्ड करेगी स्पॉट रेट पर, फिर वो सब्सिक्वेंटली रिकॉग्नाइज करेगी क्लोजिंग रेट पर, क्लोजिंग रेट पर रिकॉग्नाइज करने के बाद उसका एक्सचेंज डिफरेंस अराइज होगा और वो एक्सचेंज डिफरेंस अपने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहां ले जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में, उसके प्रॉफिट एंड लॉस में। फिर जब मैं कंसोलिडेशन करूंगा तो उसके प्रॉफिट एंड लॉस में जो एक्सचेंज डिफरेंस पड़ा हुआ है, जब मेरे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जब वो एक्सचेंज डिफरेंस आएगा, तो उस एक्सचेंज डिफरेंस को मैं अपने पीएनएल में ले जाके, क्योंकि वो डॉलर में होगा तो मुझे उसको वापस से चेंज करना पड़ेगा एवरेज रेट पर, क्योंकि वो इनकम का आइटम होगा तो मुझे उसको एवरेज रेट पर चेंज करना पड़ेगा, और जो भी इस कारण से एक्सचेंज डिफरेंस आएगा उसको मैं ले जाऊंगा ओसीआई में। कहां ले जाऊंगा? ओसीआई में टेम्पररी पीरियड के लिए। बाद में अगर मान लीजिए मैं वो सब्सिडरी कंपनी को डिस्पोज ऑफ कर लेता हूं, तो जो भी डिफरेंस मैंने अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ओसीआई में डाला था, उस ओसीआई को रिक्लासीफाई करके मैं पीएनएल में लेके जाऊंगा। आपको समझ में आ गया? फिर से बोल देता हूं मैं, आपने अपनी सब्सिडरी कंपनी को लोन दिया इंडियन करेंसी में, आप खुद अपने फंक्शनल करेंसी इंडियन करेंसी ही मेंटेन करते हो, सब्सिडरी कंपनी का फंक्शनल करेंसी डॉलर है, उन्होंने वो लोन को रिकॉर्ड किया, ट्रांसलेट किया स्पॉट रेट पर, फिर उसको उन्होंने अपने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फिर से सब्सिक्वेंट रिकॉग्नाइज किया क्लोजिंग रेट पर, इसके कारण उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक्सचेंज डिफरेंस अराइज हुआ, एक्सचेंज डिफरेंस जो अराइज हुआ उन्होंने अपने पीएनएल में डाल दिया। अब जब मैं अपनी सब्सिडरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंसोलिडेट कर रहा हूं, तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डॉलर में होंगे, तो मुझे उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा इंडियन करेंसी में, तो उसके कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सचेंज डिफरेंस दिख रहा है जिसको मुझे लाना पड़ेगा अपने इंडियन करेंसी में ट्रांसलेट करके, तो मैं उसको एवरेज रेट पे लेके आऊंगा। क्यों? क्योंकि वो रेवेन्यू आइटम है, एक्सचेंज डिफरेंस उसने अपने पीएनएल में डाल दिया था तो वो रेवेन्यू आइटम हुआ, तो मैं उसको कन्वर्ट करके ले आऊंगा, फिर से एक एक्सचेंज डिफरेंस अराइज होगा, उस एक्सचेंज डिफरेंस को मैं अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ओसीआई में बुक करूंगा टेम्पररी पीरियड के लिए, जब तक मेरी सब्सिडरी मेरे साथ है। जब मैं सब्सिडरी को डिस्पोज ऑफ कर लूंगा उस वक्त मैं उस ओसीआई से रिक्लासीफाई करके वो डिफरेंस अपने पीएनएल में डाल दूंगा। इतनी बात समझ में आई? ये एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन के लिए, बाकी पूरा का पूरा AS 11 की तरह है फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन में। सो पहले आप ये चार्ट को अच्छे से देख लीजिए, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे।
चलिए अब बात करते हैं और क्या है इसमें AS 11 और Ind AS 21 में इंपॉर्टेंट। AS 11 में आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था, ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन ऑपरेशन, जिसमें इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल करके पढ़ा था कि अगर हमारा कोई फॉरेन ऑपरेशन है तो हमें सबसे पहले डिटरमाइन करना पड़ेगा कि वो इंटीग्रल नेचर का है या नॉन इंटीग्रल नेचर का है। इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन अगर है तो उसके फॉरेन मॉनेटरी आइटम्स को, मॉनेटरी असेट्स एंड लाइबिलिटीज को ट्रांसलेट करना पड़ेगा क्लोजिंग एक्सचेंज रेट में, और नॉन मॉनेटरी असेट्स एंड लाइबिलिटीज को ट्रांसलेट करना पड़ेगा स्पॉट रेट पे, मतलब जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ था उसी दिन के रेट पर। और इसके अलावा बाकी रेवेन्यू आइटम्स को हमें ट्रांसलेट करना पड़ता था एवरेज रेट पे, और जो भी डिफरेंस आता था हम उसको पेंडल में ले जाते थे। और आपने पढ़ा था नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में ये था कि सारे असेट्स और सारी लाइबिलिटीज, मतलब चाहे वो मॉनिटरी हो चाहे वो नॉन मॉनिटरी हो, सबको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंगल रेट पे, जो कि होगा क्लोजिंग एक्सचेंज रेट। और रेवेन्यू आइटम्स को ट्रांसलेट करना पड़ेगा एवरेज रेट पे, इससे जो भी डिफरेंसेस आएंगे हम उसको ले जाएंगे फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में, मतलब ओसीआई में, ठीक है ना। अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम उसको ले जाएंगे ओसीआई में, ये हमने पढ़ा हुआ था। अब इंड एएस 21 में और क्या चीजें हैं, जैसे मान लीजिए क्योंकि यहां पर तीन करेंसीज हैं, एक फंक्शनल करेंसी, करेंसी ऑफ द प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, मतलब जिस करेंसी में मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा हूं, मैं सारे जर्नल लेजर वगैरह मेंटेन कर रहा हूं इस करेंसी में। मान लीजिए मेरे लिए फंक्शनल करेंसी हो गई इंडियन करेंसी। दूसरा प्रेजेंटेशन करेंसी, प्रेजेंटेशन करेंसी मतलब मान लीजिए मुझे किसी और करेंसी में भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करना है, फॉर एग्जाम्पल डॉलर। और तीसरा हो गया फॉरन करेंसी, फॉरन करेंसी कोई भी हो सकती है, डॉलर भी हो सकता है, इंडियन करेंसी को छोड़कर कोई भी हो सकती है, मतलब डॉलर हो सकता है, यूरो हो सकता है, पाउंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो तीसरी हो गई फॉरन करेंसी। अब जब हम फॉरन करेंसी का कोई ट्रांजेक्शन करेंगे, फॉरन करेंसी से अगर हम फॉरन करेंसी का कोई ट्रांजेक्शन करेंगे, फॉरन करेंसी का हम कोई ट्रांजेक्शन करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉरन करेंसी से फंक्शनल करेंसी, फंक्शनल करेंसी में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। और ट्रांसलेट करने पर जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आएगा, एक्सचेंज डिफरेंस आएगा वो हम ले जाएंगे कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने देखा, अगर मैं फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन कर रहा हूं तो, अगर मैं फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन कर रहा हूं तो फंक्शनल करेंसी से मुझे, सॉरी फॉरेन करेंसी से मुझे फंक्शनल करेंसी पे जाना पड़ेगा। मान लीजिए फॉरेन करेंसी मेरे लिए यूरो हुआ, फॉरेन करेंसी मेरे लिए यूरो हुआ, और फंक्शनल करेंसी मान लीजिए इंडियन रुपी हुआ, तो मुझे फंक्शनल करेंसी से, फॉरेन करेंसी से फंक्शनल करेंसी में जाना पड़ेगा, एक्सचेंज डिफरेंस आएगा और मैं पेंडल में ले जाऊंगा। अब इसके अलावा सपोज मेरी एक प्रेजेंटेशन करेंसी है, प्रेजेंटेशन करेंसी, प्रेजेंटेशन करेंसी मतलब जिस करेंसी में मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट कर रहा हूं, इंडियन करेंसी में तो करूंगा ही करूंगा क्योंकि मेरी कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है। मान लीजिए मेरे कंपनी न्यूयॉर्क में भी इनकॉर्पोरेटेड है, न्यूयॉर्क में लिस्टेड है, सो न्यूयॉर्क में लिस्टेड मतलब अमेरिका में लिस्टेड है, तो मेरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूएस डॉलर में भी बनेंगे, तो प्रेजेंटेशन करेंसी हो गई मान लीजिए मेरे लिए डॉलर। तो प्रेजेंटेशन करेंसी अगर मेरे लिए डॉलर हो गई तो ऐसे केस में क्या किया जाएगा, ऐसे केस में क्या किया जाएगा, फिर से एक ट्रांसलेशन पैदा होगा, फिर से एक ट्रांसलेशन पैदा होगा जो होगा फंक्शनल करेंसी टू प्रेजेंटेशन करेंसी, फंक्शनल टू प्रेजेंटेशन करेंसी, एक ट्रांसलेशन पैदा होगा जिसको बोलेंगे फंक्शनल करेंसी टू प्रेजेंटेशन करेंसी। तो ऐसे जब हमें ट्रांसलेट करना पड़ेगा तो उसका क्या होगा, मतलब मैं बात कर रहा हूं फंक्शनल प्रेजेंटेशन फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए फंक्शनल टू प्रेजेंटेशन पे अगर जाएंगे तो क्या होगा, तो इसमें मुझे सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि मेरी करेंसी कौन सी है, सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा कि मेरी करेंसी कौन सी है, क्या मेरी करेंसी हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी वाली करेंसी है या फिर हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी की करेंसी नहीं है। ये हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी मतलब ऐसी इकोनॉमी, ऐसी कंट्री की इकोनॉमी जहां पर इन्फ्लेशन बहुत जबरदस्त तरीके से उतार चढ़ाव करता है, मतलब जहां पर इन्फ्लेशन ज्यादा, बहुत ही ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ता है,
जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर गुड्स का प्राइस है 100 रुपए और अचानक से 15 दिन बाद 20 दिन बाद उस गुड्स का प्राइस हो गया 200 रुपए या 150 रुपए या 180 रुपए, इतना इन्फ्लेशन अचानक से हो गया, इसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशनरी। इंडिया एक हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी नहीं है। मान लीजिए मेरी फंक्शनल करेंसी हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी की है तो क्या होगा, या नहीं है तो क्या होगा? तो इसमें दो इंपॉर्टेंट केसेस आते हैं। फंक्शनल प्रेजेंटेशन, ये जो सारी मैं चीजें आपको बता रहा हूं, ये मान लीजिए ये सब डिफरेंसेस ही हैं इंड एएस 21 और एएस 11 के, क्योंकि ये सारी चीजें एएस 11 में नहीं थी। सो करेंसी मुझे देखना पड़ेगा कि मेरी करेंसी कौन सी है, नॉट अ हाइपर इन्फ्लेशन करेंसी या फिर हाइपर इन्फ्लेशन करेंसी। अगर मेरी करेंसी हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी की करेंसी नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। जैसे मैं एएस 11 का नॉन इंटीग्रल अप्रोच करता था, वही का वही सेम अप्रोच मुझे यहां करना पड़ेगा। मतलब मुझे अपनी सारी असेट्स और लाइबिलिटीज को ट्रांसलेट करना पड़ेगा क्लोजिंग एक्सचेंज रेट पे। क्लोजिंग एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट बिटवीन फंक्शनल टू प्रेजेंटेशन, मतलब रुपया और डॉलर का, किस दिन का क्लोजिंग, क्लोजिंग मतलब जिस दिन मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूं, मैं जिस दिन बैलेंस शीट बना रहा हूं, मुझे सारे रेवेन्यू आइटम्स मतलब इनकम्स और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा एक्चुअल रेट इफ पॉसिबल, अदरवाइज एवरेज रेट, अदरवाइज एवरेज रेट। और जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आएगा उसको मैं डाल दूंगा ओसीएम, जिसको हम FCTR के नाम से जानते हैं, करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व के नाम से हम जानते हैं, तो मैं उसको डाल दूंगा FCTR में। आपको बात समझ में आ गई होगी पूरी कि अगर मेरी करेंसी हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी वाली करेंसी नहीं है तो मैं सारी असेट्स एंड लाइबिलिटीज को क्लोजिंग रेट पे चेंज करूंगा, आइटम रेवेन्यू आइटम्स को मैं एवरेज रेट पे, एक्चुअल रेट पे चेंज करूंगा या फिर एवरेज रेट पे चेंज करूंगा, जो भी डिफरेंस आएगा वो मैं ओसीआई में डाल दूंगा। अब हम बात करते हैं हाइपर इन्फ्लेशनरी करेंसी की। हाइपर इन्फ्लेशनरी करेंसी को समझने से पहले हम पहले इसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए कि क्या होगा। हाँ जी, आपने ये देख लिया होगा, हाइपर इन्फ्लेशनरी करेंसी अगर है, मतलब मेरी फंक्शनल करेंसी हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी की करेंसी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा उस केस में, मुझे सारे आइटम्स मतलब असेट्स लाइबिलिटीज इनकम्स एक्सपेंसेस और इक्विटी, मतलब सारे आइटम्स कॉमन सिंगल रेट पे चेंज करने पड़ेंगे एट क्लोजिंग रेट एट द डेट ऑफ मोस्ट रीसेंट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन। फाइनेंशियल पोजिशन मतलब बैलेंस शीट, मतलब मैंने जो मोस्ट रीसेंट बैलेंस शीट बनाई होगी अपनी हाइपर इन्फ्लेशन इकोनॉमी में मैं हूं, मेरे को जो मोस्ट रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बने होंगे, जो मेरी बैलेंस शीट बनी होगी, उस दिन की करेंसी, उस दिन का करेंसी एक्सचेंज रेट मैं ले लूंगा अपनी सारी असेट लाइबिलिटी इनकम एक्सपेंस और इक्विटी से। और ऐसे केस में अगर मैं सारी चीजों को एक सिंगल रेट पे चेंज कर रहा हूं, ट्रांसलेट कर रहा हूं, तो कोई भी एक्सचेंज डिफरेंस अराइज नहीं होगा। मतलब कोई भी एक्सचेंज डिफरेंस अगर अराइज नहीं होगा तो सवाल ही नहीं उठता पीएनएल में ले जाने का या फिर ओसीए में ले जाने का। सो इस पॉइंट को फिर से एक बार देख लीजिए, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन किया मैंने, मुझे उस फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन को ट्रांसलेट करके ले जाना है फंक्शनल करेंसी में, इनिशियल रिकॉग्निशन फंक्शनल करेंसी में, सबसेक्वेंट रिकॉग्निशन फंक्शनल करेंसी में, जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में। थोड़ी देर पहले बताया कि सारी चीजें एएस 11 की तरह ही हैं, सिर्फ एक एक्सेप्शन है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन वाला, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है नवंबर 17 के लिए, जिसको हम ज्यादा डीपली देख के जाए। दूसरा, फंक्शनल करेंसी से प्रेजेंटेशन करेंसी में जाना पड़ेगा क्या? हाँ, जाना पड़ सकता है।
अगर मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मुझे प्रेजेंट करने हैं किसी और करेंसी में, तो यहां पर आप मान लीजिए कि मुझे नॉन इंटीग्रल अप्रोच अप्लाई करनी है। कौन सी अप्रोच अप्लाई करनी है? नॉन इंटीग्रल। नॉन इंटीग्रल ये एक तरीके से आपकी नॉन इंटीग्रल अप्रोच अप्लाई करनी है। मुझे देखना पड़ेगा कि मेरी करेंसी हाइपर इन्फ्लेशन इकोनॉमी की नहीं है कि है। अगर नहीं है तो बिल्कुल सेम नॉन इंटीग्रल अप्रोच की तरह जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आएगा वो एफसीटीआर में, और अगर हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी वाली करेंसी है तो मेरे सारे आइटम्स असेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस और इक्विटी एक ही एक्सचेंज रेट पे कन्वर्ट होंगे। वो एक्सचेंज रेट होगा एट द डेट ऑफ मोस्ट रिसेंट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, क्लोजिंग एक्सचेंज रेट होगा, इससे मेरा कोई भी एक्सचेंज डिफरेंस अराइज नहीं होगा। सो दिस वॉज अबाउट AS 11 एंड Ind AS 21, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नवंबर 17। एक बार आप इसको गो थ्रू कर लीजिए, फिर अपन चलते हैं अगले टॉपिक पे।